तैयार हो जाइए आखिरी 1.5 घंटे के एक्शन के लिए। बाजार में आज है भरपूर एक्शन, कमजोर शुरुआत और उसके बाद और जबरदस्त मजबूती के साथ कारोबार। अब है अहम लेवल पर बाजार जो है 19,500 का बैंक निफ्टी पर और 9,300 का निफ्टी पर। यहां से आखिरी 1.5 घंटे में मजबूती और बढ़ेगी या फिर आएगी मुनाफा वसूली। और क्या करें आप, कल की तैयारी और खास तौर से इसलिए भी अहम है कि कल है हफ्ते की एक्सपायरी भी। तो ढेर सारा एक्शन, ढेर सारी खबरें, ढेर सारे रिजल्ट्स। स्वागत है आपका फाइनल ट्रेड में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी। और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। और अनिल जी से जानेंगे भी कि आखिरी घंटे में स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। हमारे एक्सपर्ट्स भी आपको बताएंगे किन स्टॉक्स पर आपको फोकस करना चाहिए। कुछ नतीजे भी आ रहे हैं, तो अनिल जी बहुत सारी बातें करनी है, पर इस समय बाजार की 5 बड़ी बातें क्या है सर? शानदार रिकवरी आती हुई दिख रही है निचले स्तरों से, लेकिन हाँ हल्के वोलेटाइल होते हुए दिख रहे हैं बाजार। अब भी निफ्टी 9,300 के करीब है, बैंक निफ्टी में अब 350 अंकों के आसपास की तेजी है। और प्राइवेट बैंक्स, NBFCs, फाइनेंशियल शेयर, ऑटो शेयर, ये सब बेहद तेजी के साथ कारोबार करते हुए दिखे हैं। उन सारे शेयरों में अहम लेवल से एक बेहतरीन रिकवरी होती हुई दिखी है। FMCG और सरकारी बैंक्स ये कमजोर हैं, अभी भी यहाँ पर नुकसान होता हुआ दिख रहा है। लेकिन यूरोप के बाजारों की मिलीजुली सी शुरुआत होती हुई दिखी है, बहुत ऊपर नहीं तो बहुत नीचे नहीं। और डाउ फ्यूचर्स 150 अंक मजबूत ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं, यानी कि वहां पर मजबूती के संकेत आते हुए दिख रहे हैं। तो दीप, ये अभी तक का आपके लिए पूरा एक्शन सुबह से लेकर अब तक का। अनिल जी, ये एक्शन थोड़ा समझाइए, रुपए की भी क्लोजिंग हो रही है, 13 पैसे कमजोर हुआ है, जो कि अगर हम देखें डॉलर इंडेक्स में जैसा मूवमेंट आ रहा है तो उतनी ज्यादा गिरावट नहीं है रुपए के लिए। पर अनिल जी, ये थोड़ा एक्शन समझाइए, कल मजबूत शुरुआत के बाद बाजार कमजोर हो गए, आज थोड़ी सुस्त शुरुआत के साथ बाजार काफी मजबूत लग रहे हैं, ये बाजार की चाल कैसी है? वही स्टिमुलस एक्सपेक्टेशन को लेकर बाजार संभला हुआ है या फिर लग रहा है कि थोड़ी स्ट्रेंथ है इस बाजार में? वैसे तो दीप, आज आप मुझसे ना ही पूछे तो बेहतर है, क्योंकि आज मेरे ख्याल से जितने गलत तरीके से आज कॉल्स मेरे गए दोनों, उतना शायद मुझे भी याद नहीं आता कि कभी मैंने दिए हों कि इधर, और वो भी निफ्टी और बैंक निफ्टी पर बैक टू बैक एक साथ में कॉल दूं और सिर्फ 3 मिनट में ट्रिगर हो जाए। जनरली इतनी डेटा रीडिंग गलत नहीं होती, लेकिन पता नहीं, जो भी हो, मजे की बात देखिए, आप जैसे बाजार रिकवर हुए ना, जो आप स्टिमुलस पैकेज की बात कर रहे हैं, आज कहीं भी मैंने कहीं मीडिया में किसी भी जगह पैकेज की खबर चलते हुए देखी नहीं। तो जब वो, पता नहीं कि हमेशा वो कहते भेड़िया आया वैसा वाला मामला है, तो तब तो आता नहीं, आज कोई बात नहीं कर रहा, पता नहीं पैकेज आ रहा हो, भगवान जाने। लेकिन आप देखिए जिस तरह से बाजार मिनटों में, चुटकियों में भागे हैं, इसका मतलब क्लियर कट है कि किसी को जल्दी थी खरीदने की, कि भाई ले लें अभी, नहीं तो फिर ये मिलेगा नहीं। उसके 2 रीजन हो सकते हैं, किसी के हाथ में कोई ऐसी खबर हो जो कि अच्छी है, और दूसरा ये कि लेवल्स बहुत अच्छे हैं। तो इसमें कोई डाउट नहीं, जिन लेवल्स पे हम शॉर्ट कॉल दे रहे थे वो लेवल्स मेक और ब्रेक के थे। मैं लगातार कह रहा था कि 19,000 बैंक निफ्टी तोड़ेगा, 18,950, 19,000, तो उसके बाद बैंक निफ्टी में सीधा 18,200, 18,500 की रेंज में उसको नीचे आना तय है, और वो मेरा व्यू अभी भी बरकरार है। लेकिन होता यही कि वो व्यू कुछ मिनटों के लिए रहा, लेकिन एकदम से जो, जिसे आप कभी कभी कहते हैं फॉल्स ब्रेकडाउन जिसे कह सकते हैं, शायद वो दिखा कि भाई इसको टूटने के। और चूंकि मैं तो चार्ट्स देखता नहीं, मैं तो वायदा कारोबार के डेटा पर भरोसा करता हूं, 2-3 बार 19,000 के नीचे जाकर बैंक निफ्टी आया, तो मुझे लगा कि हाँ अब मैं पक्का हो रहा हूं। बस एक ही चीज गलत हुई है दीप, वो कि अगर मैं है ना 2-3 मिनट लेट ले लेता, शायद पहले विश्वेश का कॉल ले लेता, और विशेष का कॉल में पहले लेकर अपना बाद में देता, तो शायद तब तक तो मेरे स्टॉप लॉस का लेवल था जो 19,250, 19,300, तब तक निफ्टी भाग ही चुका होता, तो शायद मैं कॉल देने से बच जाता। बट नंदलेस जो भी है, जो है वो है। तो कुल मिलाकर ये कि स्क्रीन मजबूत दिख रही है, इसमें कोई डाउट नहीं, पॉइंट नंबर 1। लेकिन इसके साथ ही वोलेटाइल ट्रेड काफी है। जब हेडलाइंस लिख रहे थे तो हम ये कह रहे थे कि भाई बैंक निफ्टी इतना मजबूत है, 550-600 पॉइंट, वो आप देखिए 350 पॉइंट आ गया, वापस 450 पॉइंट। तो आज वोलेटिलिटी काफी ज्यादा है, दोनों तरफ जबरदस्त ट्रेड होता हुआ दिख रहा है। लेकिन इसमें कोई डाउट नहीं कि जिस लेवल से बाजार घूमा है 9,100 के आसपास सपोर्ट लेकर, और 18,900, 19,000 के आसपास सपोर्ट लेकर बैंक निफ्टी पर, वो काबिल तारीफ है। तो कुल मिलाकर अब यही करना चाहिए कि फिलहाल जो स्क्रीन कह रही है
तेजी के साथ रहे, डाउ फ्यूचर्स भी मजबूत है। हम आगे बढ़े, डिटेल में डिस्कस करें उससे पहले अदानी एंटरप्राइजेस, इसके नतीजे आ चुके हैं और कुणाल जी आप चार्ट्स भी तैयार रखिएगा। मुनाफा 283 करोड़ से घटकर 63 करोड़ रुपए के 61 करोड़ के आसपास आया, तो मुनाफे में भारी कमी आई है। 283 करोड़ से घटकर 61 करोड़ मुनाफे का आंकड़ा, अनुमान भी था कमजोर नतीजों का ही वैसे तो उस लिहाज से नतीजे कमजोर आते हुए दिख रहे हैं। और सबसे पहले ये नतीजे आप देख रहे हैं जी बिजनेस पर, अदानी एंटरप्राइजेस के नतीजे इस वक्त आपकी स्क्रीन पर फ्लैश होते हुए दिख रहे हैं। बता दूं आपको स्टॉक का हाल, इस वक्त हल्की कमजोरी के साथ कारोबार करता हुआ दिख रहा है, 1.5% नीचे 130.50 रुपए पे। जब तक मैं डिटेल में सारे नतीजे बताऊं, एक बार कुणाल जी आप जरा इसकी रेंज लेवल्स बता दें, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अनिल जी देखिए चार्ट कमजोर है, लेकिन एक अच्छी बात यह है कि 130 रुपए पर अहम सपोर्ट है और बिल्कुल 130 रुपए के आसपास ये काउंटर ट्रेड कर रहा है, तो मेरी राय में अब बिकवाली तब करनी चाहिए जब 129.50 रुपए के नीचे ये इंट्राडे में ट्रेड करने लगे, तो 129.5 के नीचे ही नया शॉर्ट खोलें, और 129.5 के नीचे अगर ये कुछ समय टिक जाता है तो इसको शॉर्ट करें, फिर इसमें और गिरावट आएगी और एक बार के लिए आपको 126 रुपए के दाम भी स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। ओके, 129.50 के नीचे कमजोर होता हुआ दिखेगा, 129.50 पर आ चुका है, देखते हैं थोड़ी सी देर इसे कमजोर होने दें, 129.50 के नीचे ट्रेड करना शुरू करें तो फिर कमजोरी और बढ़ेगी, ये कुणाल जी का मानना है, कोशिश कर रहा है उसके नीचे जाने की। आइए इस कोशिश को जारी रहने दें और देखें क्या कुछ होता है। मेहमानों का पूरा पैनल हमारे साथ है, कुणाल जी, राकेश जी तो हैं, किरण जी भी हमारे साथ हैं और आशु मदान साहब भी हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं, आप सबका भी मैं स्वागत करता हूं। और क्लोजिंग शो में हम आपसे एक एक करके सबसे ओपिनियन भी लेंगे, आपके लिए बिगुल भी हमारे तैयार हैं, लेकिन इससे पहले मैं चाहता हूं कि एक बार जल्दी से इवेंट्स पर नजर डाल लें जहां पर हमें फोकस करना है, कौन कौन सी है वो इवेंट्स जिन पर फोकस किया जाए, मानसी हमारे साथ बताने के लिए सारी इवेंट्स कैलेंडर बताएं मानसी। गुड आफ्टरनून आनंद जी, कई सारे इवेंट्स है जिस पर फोकस करना है आज, एक तो आईएफएल फाइनेंस और साथ ही एनएसपीसी से दोनों मीट्स है और आईएफएल फाइनेंस एनसीडीज के जरिए 1,000 करोड़ जुटाने पर बातचीत करेगी, एनएसपीसी की भी कल के जरिए 2,000 करोड़ जुटाने की योजना है जिस पर नजर है। नतीजे में येस बैंक के अब भी एफएनओ स्पेस में आने बाकी है जिस पर हमारा फोकस है, और इसके अलावा जेएम फाइनेंशियल और कंसाइन एरोलेक जैसी कंपनियां कैश में अपने नतीजे पेश करने वाली हैं। गुरुवार यानी कि कल से अगर बात करें निफ्टी बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी, लेकिन इसी के साथ बुद्ध पूर्णिमा है तो इसी के चलते करेंसी बाजार कल के दिन बंद रहेंगे। साथ ही नतीजों के लिहाज से निफ्टी स्पेस में एचसीएल टेक के नतीजे आने वाले हैं, अनुमान ये है कि बाजार बंद होने के बाद इस कंपनी के नतीजे आ सकते हैं। साथ ही वायदा बाजार में आरबीएल बैंक के नतीजे दिन के दौरान कभी भी आने के अनुमान हम लगाकर चल रहे हैं। इसके अलावा आपको बता दें एयर इंडिया लंदन से 7 मई यानी कि कल के दिन से कमर्शियल फ्लाइट जो है वो शुरू करने जा रही है, विदेश में फंसे जो भारतीय लोग हैं उन्हें वापस लाने की कोशिश है। 7 से 13 मई तक एयर इंडिया की उड़ानें जो है शुरू की जाएंगी और साथ ही यात्रियों को भी फ्लाइट का किराया देना होगा। लंदन से दिल्ली के लिए प्रति यात्री 50,000 लिए जाएंगे, वहीं ढाका से दिल्ली के लिए 12,000 और भारत आने के बाद उन्हें 14 दिन के क्वारंटीन में भी रखा जाएगा। शुक्रवार के दिन की अगर बात करें नतीजे निफ्टी में श्री सीमेंट के आने हैं, 1 से 3 बजे के बीच ये नतीजे आते हुए दिखेंगे। साथ ही मनप्पुरम फाइनेंस की बोर्ड बैठक है, एनसीडीएस के जरिए 500 करोड़ जुटाने की योजना है कंपनी की, और ओरेकल फाइनेंस की भी एक बोर्ड बैठक है, डिविडेंड पर ये बैठक होने जा रही है। ओके, तो ये है वो तमाम ट्रिगर्स जिन पर आपको रखनी है नजर और ये आपके लिए बेहद अहम रहेंगे। ओके, आइए इस बीच शुरुआत करते हैं आज की कॉल की, सबसे पहले एक बिगुल कुणाल जी और राकेश जी के लिए उनकी चार्ट कॉर्नर का, और उसके बाद किरण जी दे रहे हैं अपना बीटीएसटी कॉल, और इस बीच उन दोनों के पहले जय सर भी हमारे साथ आ चुके हैं, जय ठक्कर का भी मैं स्वागत करता हूं, आप सबका स्वागत है। चलिए पहले सबसे पहले बिगुल चार्ट कॉर्नर। बताएं सर। अनिल जी एल्गो ट्रेड है और स्टॉक का नाम है साइंट लिमिटेड, भाव चल रहा है 231 रुपए के आसपास। आज सवेरे मैंने और राकेश जी ने परसिस्टेंट सिस्टम्स में भी खरीदारी की राय दी थी और बिल्कुल हूबहू ऐसा ही स्ट्रक्चर था, उसमें बड़ी तेजी बनी है। और साइंट में भी अगर आप देखें अनिल जी, जो विशेष बात है वो यह है कि पिछले 2 दिनों में मिला करके देखें तो लगभग 1 करोड़ शेयर का कारोबार स्टॉक में निचले स्तरों पर हुआ है, यानी कि बहुत बड़ा वॉल्यूम एडिशन निचले स्तरों पर दिखाई पड़ता है और उसके बाद आज ब्रेकआउट हुआ है, स्टॉक काफी ऊपर जाने के लिए तैयार हो रहा है। राकेश
बढ़िया टेक्निकल रिवर्सल है, बुलिश एनगल्फिंग कैंडल बनी है, कल के वॉल्यूम्स को आज क्रॉस कर चुके हैं 224, 224 का स्टॉप लॉस है, 238, 238 पहला टारगेट, 245, 245 दूसरा टारगेट, और इसको खरीदने की राय है। ओके साइंट, ये है कैश मार्केट का स्टॉक जहां पर आप करें खरीदारी, अल्गो ट्रेड 231-32 की रेंज में आपको खरीदना है, 224 का स्टॉप लॉस लगाकर तेजी कीजिए, 238 और 245 के लक्ष्य के लिए यहां पर तेजी कीजिए। इस बीच अदानी एंटरप्राइजेस के नतीजों पर और विस्तार से हमारे सामने डिटेल आ रही है, मार्जिन्स घटे हैं 2.8%, 5.5% से घटकर यहां पर आए हैं, आय जरूर बढ़ी है लेकिन कामकाजी मुनाफा और मार्जिन में आई है कमी, लेकिन बढ़त आती दिखेगी उस स्टॉक में जो बताने वाले हैं किरण जी, और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि वो होगा एक लॉन्ग कॉल ही, खरीदारी का ही, तो ऐसे में बिगुल किरण जी के लिए BTS डबल टी का। बताएं अनिल जी, बिल्कुल सही गेस किया है, लॉन्ग कॉल ये है और लॉन्ग करना है अभी अभी इमीडिएटली बजाज फिनसर्व। बजाज फिनसर्व ने एक बहुत ही बेहतरीन इंट्राडे चार्ट्स पे इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बनाया है जिसका टारगेट काफी बड़ा है, 4870 यानी इधर से करीबन 120 रुपए लंबा टारगेट है। मेरा मानना है कि ये बिल्कुल बाय करके चलना चाहिए, जिस तरीके का चार्ट पैटर्न है मेरा मानना है कि ये आज के आज ही आ जाना चाहिए, कल की राह देखने की जरूरत नहीं है। अगर हम ओआई इंटरेस्ट भी देखते हैं तो मेरा मानना है कि वो फिफ्थ नंबर पे है और करीबन 20.63 के ओपन इंटरेस्ट चेंज देखने को मिल रहा है, और जो चार्ट पैटर्न है उसका जो बेहतरीन वॉल्यूम है वो अंडर करंट दिखलाता है, तो मेरा मानना है कि बजाज फिनसर्व बाय करके चलना चाहिए। मेरा स्टॉप लॉस 4730 का रहेगा और लॉन्ग पोजिशन क्रिएट करने चाहिए और ट्रेनिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करना चाहिए अनिल जी। ओके तो ये है आपके लिए बजाज फिनसर्व में खरीदारी करने की राय, 4730 ये है आपका स्टॉप लॉस का लेवल, यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाइए और खरीदारी कीजिए। किरण जी एक बार मुझे लेवल्स टारगेट के लिहाज से वापस से बताएं जरा। देखिए 4870 अभी 14800 के करीब आ चुका है और 70 रुपए आराम से मिल सकते हैं इधर से, और मेरा स्टॉप लॉस रहेगा 4740 का कर लेना चाहिए अनिल जी। ओके ठीक है, तो ये है आपके लिए बजाज फिनसर्व में खरीदारी करने की राय। ओके आइए अब आगे बढ़े, उससे पहले एक बार जरा मार्केट पर रुझान ले लिया जाए। हमारे साथ आशु सर हैं, आशु जी आज बढ़िया रिकवरी और एक खरीदारी निचले स्तरों से आती हुई दिखी है, क्या व्यू बन रहा है मार्केट पर, रिकवरी में और ऊपर जा सकता है, कल एक्सपायरी है, अब से लेकर एक्सपायरी तक बाजार का व्यू? अनिल जी कल की एक्सपायरी तक थोड़ा सा ऊपर जा सकता है, वो भी चांसेस हैं कि नहीं है, और आपने जो बिल्कुल ठीक बोला वो एक पैकेज वाला चक्कर है। अनिल जी मैं तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जो पैकेज लाना है एक बार ला के ख़त्म कर दीजिए, ताकि ये मतलब अपना फिर ये जो नीचे का खुला नीला आकाश नहीं खुला काला पाताल है वो खुल जाए पूरी तरह से। तो अनिल जी इसमें सिर्फ एक पैकेज का है और अभी भी सिस्टम शॉर्ट है, अगर शॉर्ट्स नहीं होते और ये पैकेज की एक तलवार नहीं लटकी हो तो ये 8500 भी निफ्टी आराम से मतलब बहुत ही जल्दी आ जाता और शायद हमारे को अभी देखने को मिलता, लेकिन क्योंकि अब सिस्टम में शॉर्ट अभी भी है उसकी वजह से ये जो हमने फॉल देखा कि इट इज स्टिल नॉट एज पर दी एक्सपेक्टेड लाइंस, तो ग्राइंड करके मार्केट अनिल जी धीरे धीरे ही आना है तो वो उसी चीज से रहेगा। अनिल जी आप स्टॉक डिस्ट्रक्शन देखिए किस तरह से हो रही है, बैंक्स को देखिए, टाइटन में देखिए, अनिल जी बैंक ऑफ बड़ौदा देखिए, एक परपेचुअल शॉर्ट दिया और बोला है कि पीएनबी अपने छोटे भाई के पास धीरे धीरे जाएगा, अब उसमें बीच में स्टेट बैंक को देखिए, अनिल जी पूरा हफ्ता 10 दिन कभी वो विजय मलाया आ रहा है तो कभी कोई प्रॉक्सी प्ले है तो कभी दिग्गज बैंक है, अनिल जी धीरे धीरे करके आप स्टॉक्स आपको कह रहे हैं कि ये कुछ भी नहीं है, इनको कहाँ कहाँ जाना है, अनिल जी ये सब सारी चीज़ों में लोग फंस रहे हैं और अभी भी प्रॉब्लम ये है कि अनिल जी जो 95-96 था जो हम कह रहे थे आखिरी सांसें हैं सब कुछ है उसके ऊपर अगर किसी ने बेचा है जिसकी वजह से FIIs की भी सेलिंग आ रही है, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन की भी सेलिंग आ रही है जो आप कह रहे थे सुबह, तो मैं बोलूंगा कि मैं बहुत खुश हूं कि इंडिया का इन्वेस्टर भी स्मार्ट होता जा रहा है, अगर किसी ने नीचे लिया था वो ऊपर म्यूचुअल फंड से भी बेचता है प्रॉफिट बुक कर रहा है, तो आई रियली अप्रिशिएट अगर ये इन्वेस्टर ऐसा कर रहा है क्योंकि ये लॉन्ग टर्म ट्रैप में जो फंसा रहेगा तो वो अनिल जी नहीं पैसे बना पाएगा। और अनिल जी बार बार जो मैं बोलता हूँ हैशटैग कैश इज किंग, जो मैंने कल बोला अब तो वॉरेन बुफे ने भी कंफर्म कर दिया, आप तो हमारी कॉल्स या राकेश जी की कॉल कहते
थे कि CLSA फॉलो करता है, अब तो लगता है मुझे वॉरेन बफे भी हमें फॉलो कर रहा है कि कैश इज किंग। सो अनिल जी, कैश इज किंग, नीचे के ऑप्शन मौके जरूर मिलेंगे, इंटरमिटेंट बाउंस भी आएंगे। तो आज जो ये बाउंस आया है ये एक बहुत अच्छा बाउंस है, जिसका मतलब कि एक्सपायरी मेरे हिसाब से 9300 या उससे ऊपर की हो सकती है, बट वो कितनी ऊपर होनी है कल बेटर पता चलेगा। बट मैं तो कहता हूँ एक बार अनिल जी पैकेज आ जाए और ये सारी चीज खत्म हो जाए। हैविंग सेड दैट अनिल जी, एक और चीज बोलता हूँ, NBFC वर्सेस बैंक्स। NBFC में आपने देखा होगा शायद दो तीन दिन से महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस, मेरा व्यू थोड़ा डिफर कर रहा है, मैं थोड़ा पॉजिटिव हूँ। मुझे लगता है कि NBFC से भी ज्यादा खराब जो है वो बैंक्स हैं, क्योंकि बैंक्स में हमें नहीं लग रहा, मुझे लगता है NBFC में। अनिल जी कई बार रेट देखो ना, 55 रुपए का L&T फाइनेंस, 150-155 रुपए में महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस, 40-45 रुपए का इक्विटा अभी ना बेचा नहीं जाता। ऑनेस्टली मार्केट नीचे लगता है तो भी क्या ये बहुत ज्यादा नीचे जाएंगे NBFC? दो फाइनेंशियल्स के मैं बिल्कुल अगेंस्ट हूँ, क्या बहुत ज्यादा नीचे जाएंगे? तो वो ना डिफिकल्ट ट्रेड है, इसलिए ट्रेड की जो ट्रेड का कंफर्ट आ रहा है ना अनिल जी, बहुत अच्छा ट्रेड नहीं आ रहा, इसलिए आप देखेंगे स्टॉप लॉसेस भी हो रहे हैं। ये 93-9400 ऐसा बैंड है कि डिफिकल्ट बैंड है, ये ग्राइंड करेगा, इसमें कंफ्यूज करेगा, ऊपर नीचे स्टॉप लॉसेस होंगे। तो पेशेंस टेस्टिंग इज दी ओनली की कि बहुत नीचे गिरावट आए, अगर ऊपर जाए पैकेज वैकेज में तो बिल्कुल बेचना है। तो मुझे लगता है अनिल जी, जो मैं NBFC का पॉइंट बोल रहा था, मुझे बैंक ज्यादा बेरिश लगते हैं, उस बैंक्स में भी PSU बैंक्स धीरे धीरे करके ज्यादा बेरिश लगते हैं, तो इसके साथ बने रहना चाहिए। बट एक बाउंस बैक अनिल जी मैं तो चाह रहा हूं कि पैकेज वैकेज आ जाए ताकि आराम से खुल के बेच पाए फिर। जी ठीक बात है, चलिए जो जब होना होगा, काश हर चीज वही वैसी होती जैसा आप और हम चाहें, मार्केट जब जो चाहे जैसा चाहे वैसा होता है और मार्केट के साथ रहने में समझदारी ज्यादा। आइए हमारे साथ देवांशी जुड़ रही है और देवांशी से लेते हैं आज उन शेयरों के बारे में इन्फॉर्मेशन जहां कुछ न कुछ खबरें आई है। देवांशी बताइए। बिल्कुल, गुड आफ्टरनून अनिल जी। आज सबसे पहले आप देखिए फार्मा कंपनीज में, दो फार्मा कंपनीज है, एलेम्बिक फार्मा, डॉक्टर रेड्डीज, इनके लिए पॉजिटिव खबर। एलेम्बिक फार्मा में गुजरात का जो प्लांट है इनको USFDA से EIR मिलता हुआ दिख रहा है, ये पॉजिटिव खबर आती हुई देखिए। और साथ ही डॉक्टर रेड्डीज, इन्होंने US में एक इंजेक्शन लॉन्च किया है, ब्लड क्लॉट से रिलेटेड ये इंजेक्शन है। कुल मिलाकर आप देखिए इस इंजेक्शन की जो बिक्री है करीब $21 मिलियन तक की होती है पूरे साल में, तो ये पॉजिटिव डॉक्टर रेड्डीज के लिए। साथ ही भारत डायनामिक्स, 290 करोड़ का कंपनी को एक ऑर्डर मिला है और उसके बाद स्टॉक में काफी तेजी देखी गई। और भारतीय एयरटेल, कोर्ट से कंपनी को राहत मिली है, सरकार से कंपनी टैक्स रिफंड मांग सकती है, करीब 900 करोड़ तक के टैक्स रिफंड कंपनी मांग सकती है, इसके चलते भी आप देखिए हल्के सहरे निशान में स्टॉक ट्रेड करता हुआ। आखिर में ब्लॉक डील्स पर नजर करें, आज अशोक लेलैंड पर एक्शन दिखा है, करीब 45 लाख शेयरों के आज सौदे हुए हैं 48 रुपीज प्रति शेयर के भाव पर, ये ब्लॉक डील्स होते हैं। ओके, तो ये है वो तमाम शेयर जहां पर खबरों के दम पर एक्शन है। एक्शन एक और स्टॉक में बढ़ता हुआ दिख रहा है, वो है रिलायंस। डे लो पर आता हुआ ऊपरी स्तरों पर से लगभग 30 रुपए की कमजोरी होती हुई रिलायंस में दिखी है, और बाजार की तेजी पर भी शायद थोड़ा सा जो ब्रेक लगा है वो रिलायंस की वजह से। आइए एक दो कॉल जल्दी से देते हैं, उसके बाद भसीन साहब भी हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं। पहले जय ठक्कर के लिए बिगुल, BTSEE का। बताएं जय। वेरी गुड आफ्टरनून टू अनिल जी। अनिल जी इनफैक्ट मेरा भी वही शेयर है जो इनफैक्ट कुणाल जी एंड राकेश जी ने दिया है चार्ट कॉर्नर में। इनफैक्ट साइंट में उन्होंने बाय करने के लिए सलाह दी है, इनफैक्ट मेरा भी वही खरीदी करने की सलाह है। साइंट में मैं कहूंगा बहुत ही बढ़िया ब्रेकआउट आज के ट्रेडिंग सेशन में देखने मिला है। इनफैक्ट मैं कहूंगा कि उसकी शॉर्ट टर्म आवरली मूविंग एवरेज जो है 20-40 में एक अच्छा क्रॉसओवर हमें देखने मिला है, पॉजिटिव डाइवर्जेंस के साथ एक क्लियर बाय क्रॉसओवर देखने मिल रहा है। और दूसरी चीज अनिल जी मैं कहूंगा कि साइंट में अगर आप देखें तो लास्ट 2-3 दिन पहले जो एक वॉल्यूम हुआ था, वॉल्यूम में एक इजाफा देखने मिला था, बहुत ही बढ़िया एक मैं कहूंगा वॉल्यूम साइंट में आते हुए नजर आया था, शार्प एक मूव, उसके बाद एक कंसोलिडेशन हुआ और लोअर बॉलिंगर बैंड पे लगभग 4-5 दिनों से जो हिसाब से स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आज ये ट्रेडिंग सेशन में ब्रेकआउट दे रहा है। ऑन दी अपसाइड मैं कहूंगा कि 235 के ऊपर आज अगर बंद दे देता है तो अनिल जी इसके टारगेट जो ऑन दी अपसाइड बनकर आ रहा है 253 के लिए साइंट बाय करना है, नीचे में स्टॉप लॉस रहेगा 220 का।
साइंट पर खरीदारी की राय आ रही है, कंसेंसस कॉल है, चार्ट कॉर्नर में भी थोड़ी देर पहले आया और अब जय ठक्कर को भी पसंद आ रहा है। मिड कैप आईटी एक ऐसा स्पेस है जहां पर आपको भरपूर एक्शन मिलेगा। एनआईटी टेक तो नतीजों के दम पर रिएक्ट कर ही रहा है, उसके साथ अब देखिए परसिस्टेंट सिस्टम्स सुबह कॉल आई थी चार्ट कॉर्नर में, माइंडट्री में भी तेजी है और इसके ऊपर एक रिसर्च भी आ रही है थोड़ी देर में, तो माइंडट्री के बारे में भी बात करेंगे। और अगर आप बाकी भी आईटी स्टॉक्स देखें, मिड कैप आईटी स्टॉक्स जो हैं वहां पर आपको भरपूर एक्शन इस समय देखने को मिल रहा है, तो नजर रखिए मिड कैप आईटी की ऐसी जगह है, साथ ही एनबीएफसी जहां पर आपको अच्छा एक्शन है। आरबीएल बैंक इसके नतीजे कल आने वाले हैं, उस पर भी आपको रिसर्च देंगे और बताएंगे कैसे नतीजे रह सकते हैं, वहां पर भी अगर आप देखेंगे तो आपको इस समय डेज हाई पर स्टॉक आता हुआ दिखेगा। वोल्टास अच्छी रिकवरी आ रही है, 3.5% ऊपर वोल्टास भी आया है। किरण जी, भारी बिकवाली के बाद एक अच्छी रिकवरी आ रही है वोल्टास में, क्या करना चाहिए? ये फिर से बिकवाली के लेवल्स आ रहे हैं या फिर थोड़ी और रिकवरी इसमें दिख सकती है? मुझे लगता है थोड़ी सी और रिकवरी आएगी, पर ये बिकवाली का ही काउंटर रहेगा। मुझे लगता है कि 460-462 के लेवल्स देखने को मिलेंगे दीप, और ये एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है। हिस्टोरिकल बॉटम, एवरेज बॉटम्स और दो दिन पहले का बॉटम यही है, और कल इसी बॉटम का ब्रेकडाउन पे एक शॉर्ट कॉल जनरेट किया गया था, तो मेरा मानना है कि वो रीटेस्ट होने के लिए आ रहा है। इधर कोई तेजी का संभावना नहीं है, इधर से वापस एक बार यूटर्न लेगा, पर करंट लेवल से 462 तक बेचना है तो बेच सकते हैं। 470 का मेरा स्टॉप लॉस रहेगा और इवेंचुअली ये 430 और उसके नीचे स्तर देखने को मिलेंगे, ये पोजिशनल व्यू रहेगा। ओके, ये है आपके लिए वोल्टास पर व्यू। आइए एक व्यू और लेते हैं, व्यू नहीं कॉल लेते हैं, और वो है आशुतर की तरफ से बिगुल उनके लिए बीटीएस डबल टी का। जी आशुतर बोलिए सर, बताएं। अनिल जी कॉल थोड़ा सा डिले हो गया क्योंकि 5-7 मिनट लग गए और बाई चांस वो प्राइस टूट गया है। अनिल जी, आज सुबह का सबसे बड़ा कंफर्ट ट्रेड सबका था रिलायंस, और इंट्राडे में सबसे ज्यादा वीक रिलायंस है, और मेरे हिसाब से आज वो डे लो पे बंद होगा। पर अनिल जी ऑनेस्टली ये ट्रेड 1465 से इनिशिएट कर रहा हूँ, 60 पे मैसेज किया था और आखिरी 4 मिनट में ये 1450 आ गया है, तो मेरा कंडीशनल ट्रेड है। अगर थोड़ा सा भी बाउंस बैक आता है तो आज इंट्राडे के लिए रिलायंस बेचना चाहिए, लोएस्ट पे बंद होगा। पर अनिल जी बाउंस बैक पे, क्योंकि अभी 10-15 रुपए पिछले 3-4 मिनट के अंदर ही टूट गया है, और आपने भी अभी जब मेंशन किया था कि रिलायंस 30 रुपए नीचे, 1458 का फ्यूचर था, अब 1450 का आ गया है। सो अनिल जी मैं थोड़ा चाहूंगा ऊपर में, मतलब ये इस आज का वीकेस्ट स्टॉक है, क्योंकि आज का सबसे बड़ा जहां भी कंफर्ट में देखने जाएंगे ना अनिल जी, कोई वही डिस्कंफर्ट होगा। निफ्टी भी देखिए तो ध्यान बेचने में अनिल जी, और सेफ है पीएसयू बैंक। कल विश्वेश को भी मैंने जवाब दे रहे थे, एसबीआई पिछले 15-20 दिन से लगा अनिल जी, धीरे धीरे करके ये बैंक ऑफ बड़ौदा, ये सब ये धीरे धीरे करके जाने हैं, और ये अभी तक सिर्फ रिलायंस ने और कुछ बड़े शेयर ने संभाल रखा है, लेकिन वो कब तक संभालेंगे मुझे नहीं पता। पर अनिल जी रिलायंस और खराब लग रहा है, पर्टिकुलरली आज का तो बेचना चाहिए क्योंकि आज का सबसे बड़ा कंफर्ट ट्रेड था 100%। ओके चलिए ठीक है, तो रिलायंस ऊपर आए रिलायंस, तो यहां पर बिकवाली करने की राय है आशु सर की तरफ से। आइए अब भसिन साहब की बेहतरीन पिक्स ले लें, क्योंकि उसके बाद 2:30 बजने वाले होंगे और 2:30 बजे मुझे लेने होंगे अपना आखिरी घंटे की स्ट्रेटेजी भी। उससे पहले भसिन साहब के लिए एक बिगुल। हमेशा की तरह एक अपडेट पहले ले लेते हैं, बसिन साहब स्वागत है आपका। सर बताएं पहले तो जो अपडेट आप देना चाहते हैं। हाँ गुड, तो अनिल जी देखिए उसमें से अभी खड़ा है मेरा जेएसडब्ल्यू स्टील, वो लॉन्ग है, उसमें हम अभी भी कहेंगे बने रहिए, स्टील के शेयरों में अच्छी मूवमेंट है और आगे भी हमें लग रही है। दूसरा है एल एन टी फाइनेंस आज थोड़ा बहुत चला है, लेकिन अभी L&T Finance में वही टारगेट 55 का स्टॉप लॉस है, 63-65 का टारगेट। अंबुजा सीमेंट जो सुबह हमने दिया था 167-68 पे, उसमें 180 का टारगेट। ग्रासिम में हमारा 550 का टारगेट है, उसमें बने रहिए। विप्रो में 198-200 का टारगेट है। शॉर्ट में हमने किया हुआ डाबर, उसमें बने रहिए। आज हमने भारत फोर्ज कल दिया था 290 का टारगेट, उसने 288 किया है, तो उसमें आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। और अब आप कहें तो मैं दूसरे जो कॉल है वो दूं। एक और मैं आपको पूछना चाहता हूँ, IDFC फर्स्ट बैंक पर आपका क्या व्यू है इस वक्त? वो भी आपका एक कॉल है, वो भी होल्ड किया जाए? हाँ बिल्कुल सर, 23.5 का टारगेट है, आप उसमें 20 रुपए का स्टॉप लॉस रखिए। जी जी, क्योंकि
कुछ कुछ जो जो भी मुझे व्यूअर्स पूछ लेते हैं कि भसीन साहब आए तो ये कॉल पूछेगा तो मैं नोट कर लेता हूं। तो चलिए ये सारे आपके अपडेट्स हो गए सर, बताइए अब आज आपके नए कॉल्स और कौन कौन से हैं? हाँ तो सर अब नए दो बाइंग में है और एक सेलिंग में है, तो पहले आप कहें तो बाइंग वाले दे दूं मैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल जरूर सर। हाँ तो सर पहला भाई है आपके यहाँ, पहले हमने दिया था 150-152 में M&M फाइनेंस। M&M फाइनेंस ने बहुत स्ट्रांग ब्रेकआउट दिया और जहाँ से हमें न्यूज आ रही है M&M फाइनेंस में एक बहुत बड़ा डील होने की संभावना है, तो 168 का बाय रखिए M&M फाइनेंस में, 159 का स्टॉप लॉस रखिए और 195-200 का नया टारगेट होगा M&M फाइनेंस में। ओके 168, 170, 171 अभी है, इस रेंज में आप खरीदिए। 159 का स्टॉप लॉस लगाइएगा, आज का लो भी 158 के आसपास है, तो बेसिकली आज के लो के आसपास आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं 195 से 200 रुपए के टारगेट के लिए। M&M फाइनेंस में खरीदारी करने की राय है भसीन साहब की तरफ से, तो पहला बेहतरीन स्टॉक M&M फाइनेंस। जी सर दूसरा स्टॉक बताए सर। दूसरा स्टॉक सर थोड़ा सा स्टील का स्टॉक है, जहां हमने JSW कल भी दिया था, आज हमें लगता है जिंदल स्टील एंड पावर अपने नेव जो उसने गाइडलाइन दिया वो अपनी डेट को रिस्ट्रक्चर करना चाहता है और रिड्यूस करना चाहता है, विच इज अ वेरी बिग पॉजिटिव। आज की डेट में सबसे अच्छा प्ले है ऑन कमोडिटी साइकिल, तो 87.5-88 का भाव है जिंदल स्टील का, इसमें आप 80 का स्टॉप लॉस रखिए और 95-98 का इसमें टारगेट आपको मिलना चाहिए JSPL में। ओके ओके और ये सारे लेवल कैश के हैं जो बता रहे हैं भसीन साहब से, 87 से 79 रुपए, 87 से 89 इस रेंज में धीमे धीमे आराम से देखकर आप खरीद लीजिए। 80 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए, पहला टारगेट 90 का और दूसरा टारगेट 95 रुपए का, और ये सारे ट्रेड्स पोजिशनल हैं ये ध्यान में रखिए। टारगेट में अगर जल्दी आपके टारगेट एक आध दिन दो दिन में आ जाए तो बहुत बढ़िया, प्रॉफिट बुक कर लें, अदरवाइज इसको पोजिशनल ट्रेड के तौर पर आपको होल्ड करना चाहिए। भसीन साहब एक शॉर्ट कॉल भी देंगे सर। हाँ सर शॉर्ट कॉल है यूनाइटेड स्पिरिट्स पे, भाव है 488 to 490 में बेचिए, 500 का स्टॉप लॉस और 465 का टारगेट। ओके तो मुंबई में शराब की बिक्री दो दिनों के बाद बंद हो चुकी है और जहां खुली है दिल्ली में आपने देखा कि 70% टैक्स लगाया है स्पेशल कोरोना फीस, और जाहिर सी बात है राज्यों को चाहिए रेवेन्यू और वो उस लिहाज से करें, तो यहाँ पर आपके लिए बिकवाली करने की राय है यूनाइटेड स्पिरिट्स यानी कि मैकडोवेल, और यहाँ पर आप 485-490 की रेंज में बेच दीजिए, 500 का स्टॉप लॉस, 465 तक जाने की तैयारी में है इस वक्त। तो ये सारे स्टॉक्स हैं जहां पर आपको खरीदारी और बिकवाली करनी, तो तीन बेहतरीन पिक्स भसीन साहब की तरफ से आती हुई। कल सुबह 10 बजे फिर से भसीन साहब से मुलाकात हो जाएगी, तब हम आपके लिए और भी पिक्स देंगे, वैसे एक घंटे का समय और भी है, और उस समय में भसीन साहब अगर आपको लगे कि कुछ बड़ी कंपेलिंग पिक्स है और जो बतानी जरूरी है तो प्लीज मैसेज कर दीजिएगा, हम फिर से आपसे फोन पर बात करके आपकी पिक्स लेने की कोशिश करेंगे। फिलहाल दीप ये दो तीन पिक्स भसीन साहब की तरफ से, आगे आप संभालें और ये मैं आगे तब तक ये देखता हूं। बिल्कुल अनिल जी, तो मेटल्स और NBFCs जो भसीन साहब को पसंद आ रहे हैं पिछले दो दिनों से, उसी थीम के साथ भसीन साहब जाते हुए दिख रहे हैं। बस कुछ ही देर में अनिल जी से उनकी स्ट्रैटेजी भी जानेंगे, उससे पहले देख लेते हैं और कहां पर बाजार में एक्शन आ रहा है। सुबह से ही हम देख रहे हैं कि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में जबरदस्त एक्शन है, वो एक बात है, और इसके अलावा अगर आप देखें तो काफी सारे नंबर्स हैं जिन पर नजर रहेगी। मिड कैप आईटी तो अच्छा कर ही रहा है, NIT टेक में अच्छे नंबर्स रहे हैं, लार्ज कैप आईटी से एक और नतीजों के का इंतजार है, यह है HCL टेक्नोलॉजीज। देखते हैं कि इनके कैसे नंबर्स आने वाले हैं, अनुमान के साथ तैयार है इस समय कुशल, बताइए कुशल। देखिए कल इनके पोस्ट मार्केट नंबर्स आने वाले हैं दीपांशु, और नंबर्स जो हैं वो फ्लैट ही नजर आ रहे हैं, हालांकि मुनाफे में करीब 2.5-3% की गिरावट जो हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं, क्योंकि टैक्स थोड़ा सा बढ़ता हुआ नजर आया है जिसका इम्पैक्ट इनके मुनाफे पर आता हुआ नजर आएगा, और 2,955 करोड़ रुपए जो है का मुनाफा है वो कंपनी पोस्ट कर सकती है। इसके अलावा डॉलर आए देखें तो वहां पे कोई बहुत ज्यादा बढ़त नहीं है, करीब 1% की बढ़त हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं, क्योंकि IBM से जो रेवेन्यू है उससे थोड़ा सा सहारा मिलता हुआ नजर आएगा। साथ ही अगर आप मार्जिन देखें तो वो 20.2% से घटकर 20%, तो लगभग फ्लैट से मार्जिन रहने का अनुमान है, क्योंकि इनकी बिलिंग जो है इस बारी कम हुई है, जिसका सीधा इम्प्लीकेशन इनकी मार्जिन्स पर पड़ता हुआ नजर आया, यानी कि रुपए में जो गिरावट रही है वो सेट ऑफ होता हुआ नजर आया इस वजह से। अब देखना दो चीजें काफी इंपॉर्टेंट है, पहला यही कि FY 21 में जो रेवेन्यू और मार्जिन गाइडेंस HCLTech जारी करती है
वो कहीं ना कहीं रद्द होने का खतरा है, क्योंकि विप्रो और इंफोसिस ने ऑलरेडी ये कर चुके हैं कोविड 19 को देखते हुए। साथ ही जो भी आईटी स्पेंडिंग है अलग अलग जोन्स में, अलग अलग एरियाज में, अलग अलग कंट्रीज में, वहां पर कैसा इम्पैक्ट है, वहां से क्लाइंट की कैसी कॉमेंट्री आ रही है, वो देखना काफी इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल, कमेंट्री पर नज़र रहेगी, देखते हैं किस तरह के नंबर्स आते हैं, गाइडेंस पर एचसीएल टेक्नोलॉजीज क्या बोलता है। अभी तक लार्ज कैप आईटी के नंबर्स उतने खास नहीं रहे हैं, पर हाँ मिड कैप आईटी से कुछ पॉजिटिव सरप्राइज जरूर आए हैं। देखते हैं कि एचसीएल टेक्नोलॉजीज पर क्या एक्शन होता है। जय थोड़ा क्वाइट है इस समय स्टॉक, पर जिस तरह का एक्शन मिड कैप आईटी में बन रहा है, पता नहीं लार्ज कैप आईटी में भी ऐसा आएगा कि नहीं। एचसीएल आए, वेल दीपांशु मैं ये कहूंगा कि ओवरऑल ऑलरेडी हमने देखा था कि लार्ज कैप आईटी स्टॉक्स लाइक टीसीएस, एचसीएल टेक हो, ये सारे में ही इनफैक्ट मैं कहूँगी कप्पू आ चुका था, काफी हद तक बाउंस बैक आ चुका था और मिड कैप आईटी में आना बाकी था। लाइक एनआईटी टेक ने प्रीवियस हाइज नहीं निकाले थे, जैसे भी कुछ देर पहले हमने साइंट की बात की, तो मैं कहूँगा कि ये सारे स्टॉक्स में बाकी था, लार्ज कैप आईटीज में ऑलरेडी अपमूव आ चुका है। सो मुझे नहीं लगता कि एचसीएल टेक में इतनी कुछ एक पॉजिटिव सरप्राइज आनी चाहिए। इनफैक्ट कहीं ना कहीं ये स्टॉक अपने 200 डीएमए के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो एक रेजिस्टेंस बना हुआ है ये स्टॉक में करीब 530-532 के आसपास, अगर उसके ऊपर निकलता है देन हमें और अपसाइड 580 तक देखने मिल सकती है, अदरवाइज ये एक रेंज बाउंड रहेगा 500 से लेकर 520 तक की रेंज में, लगभग 4% की रेंज में ट्रेड करेगा। अबाउ 520 ही बाय करें 580 के लिए। ओके, अबव 520 बाय करें 580 के लिए, पर देखते हैं, मुश्किल लग रहा है इस समय कि ज़्यादा मूव आए उस पर एक्टिव ज़रूर रहा है स्टॉक आज सुबह के ही ट्रेड से, देखते हैं कि मूव कंटिन्यू करता है कि नहीं। इस बीच ऑटो स्टॉक्स में हम देखें तो सुबह एक अच्छा मूव आ रहा था जहां तक हीरो मोटोकॉर्प का सवाल था, इस समय टीवीएस मोटर्स पर भी एक अच्छा मूव आते हुए दिख रहा है, ये सस्टेन होता है कि नहीं ये एक बड़ी बात रहेगी। किरण जी ज़रा टीवीएस मोटर्स के चार्ट देखिए, कोई ट्रेड बन रहा है इस पर? आज टू व्हीलर स्पेस में बजाज ऑटो और टीवीएस मोटर में अच्छा खासा अंडरकरंट देखने को मिल रहा है, पर कितना टिकेगा ये कहना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि 320 एक बहुत बड़ा बैरियर है, ये इसके ऊपर अगर क्लोजिंग मिलती है दीप तो भी मैं थोड़ा सा कॉन्फिडेंस में बात कर पाऊंगा। अभी के लिए मुझे लगता है जिनके पास लॉन्ग पोजीशंस है उन्होंने 314 का स्टॉप लॉस लगा के लॉन्ग पोजीशंस रखने चाहिए, एक बार 320 क्रॉस हो जाए तो एक अच्छे खासे मोमेंटम इस स्टॉक में देखने को मिलेगी, और टारगेट्स के लिए मैं जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है वो करीबन 330 का है, तो 10 रुपए का करंट लेवल से इजाफा होता नजर आ जाना चाहिए। ओके, ये है आपके लिए टीवीएस मोटर्स पर रहे, कुछ ही देर में अनिल जी अपनी स्ट्रैटेजी भी देंगे। उससे पहले अभी थोड़ी देर पहले भसीन साहब महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल M&M फाइनेंस पे बात कर रही थी, आशु जी भी बोल रहे थे कि स्ट्रक्चर इस पे पॉजिटिव रख रहा है, और देखिए एक स्पाइक आता हुआ दिखा है आपको M&M फाइनेंस पर, तो 5-10 मिनट पहले ही भसीन साहब ने बात करी थी, उससे पहले आशु जी ने बात करी थी, और एक स्पाइक आया है इस समय M&M फाइनेंस पर, तो उस स्टॉक पर नजर रखिए। हालांकि निफ्टी पे हर खरीदारी पर आपको थोड़ी सी कमजोरी आती हुई दिख रही है, पर M&M फाइनेंस काफी एक्टिव होता हुआ दिख रहा है इस समय, तो वो स्टॉक अपने रेडार पर रखिए, देखिए स्पाइक आ रहा है। एक और स्टॉक जिसमें थोड़ा सा एक स्पाइक आते हुए देखा थोड़ी देर पहले, आईसीआईसीआई प्रू। बंसल जी जरा आईसीआईसीआई प्रू की चार्ट देखिए, बताइए यहां पर आपको कोई ट्रेड दिख रहा है? 6.5% ऊपर है इस समय ट्रेड में। देखिए यहां पर एक बुलिश इनगल्फिंग कैंडल बना है दीपांशु, और एक पॉजिटिव क्रॉसओवर देखने को मिला है। टेक्निकली शॉर्ट सेलर जो है यहाँ ट्रैप हुआ है, 386 का एक स्टॉप लॉस बैठता है, जिसने ले रखा है 386 का स्टॉप लॉस लगाया है, और नई खरीदारी के लिए भी 386 का ही स्टॉप लॉस है। पहला टारगेट ऊपर में 411 रुपये का बनता है ICICI पोटेंशियल के अंदर। ओके, तो ICICI प्रू भी एक अच्छा मूव आ रहा है। सिद्धार्थ सिडानी साहब ने भी इस स्टॉक के बारे में पहले बात करी थी, तो कहा था कि 400-450 के टारगेट यहाँ पर आपको रखने चाहिए, तो देखिए वहीं उन्हीं लेवल्स पर आते हुए दिख रहा है। तो हर बार जब भी स्टॉक गिरता है आप देखते हैं कि निचले स्तरों से रिकवरी आती है, और काफी स्ट्रांग रिकवरी आती है ICICI प्रू में। आज सुबह से सीमेंट स्टॉक्स भी थोड़ा पॉजिटिव रुझान जरूर दिखा रहे हैं, तो वहां पर भी नजर रखिए, रैमको सीमेंट, अंबुजा, ACC, ये सारे ही स्टॉक्स काफी एक्टिव होते हुए दिख रहे हैं। डाबर में एक अच्छी रिकवरी आई है, कुणाल जी जरा डाबर की चार्ट देखिए। वैसे तो ट्रेंड काफी वीक लग रहा था और गिरावट भी काफी भारी तरीके से हो रही थी, पर ये 450-455 का लेवल डिफेंड किया है डाबर ने, और थोड़ी खरीदारी आई है, ये क्या फ्रेश शॉर्टिंग लेवल्स हैं डाबर पे, या थोड़ी स्टेबिलिटी है चार्ट के लिए?
नहीं दीपांशु, मेरी राय बिकवाली की नहीं है। उसकी वजह यह है कि आज इंट्राडे रिकवरी बहुत अच्छी हुई है, और अगर आपको याद हो जब कल भी हम चर्चा कर रहे थे तो 445 रुपए के लेवल्स की बात की थी, और उन्हीं लेवल से आज हमने इसमें दोबारा इंट्राडे रिकवरी आते हुए देखी है। तो मुझे लगता है कि अब इन स्तरों पर शॉर्ट करने के लिए देर हो गई है। हालांकि मेरी खरीदारी की भी राय नहीं है, लेकिन जिनके पास पोजीशन पहले की पड़ी हुई है एक स्टॉप लॉस 440 पर रखें, होल्ड करें। हो सकता है कि स्टॉक में आपको दोबारा से 470 तक का एक पुलबैक देखने को मिले, तो पुलबैक में जरूर बेचने के मौके तलाश सकते हैं। इन स्तरों पर वेट एंड वॉच करने की राय। ओके, इन स्तरों पर वेट एंड वॉच है, पर पुलबैक पर आप जरूर बेच सकते हैं जहां तक डाबर का सवाल है। रिलायंस इंडस्ट्रीज डेज लो पर है, मार्केट में थोड़ा प्रेशर अब बनते हुए दिख रहा है। स्ट्रैटेजी क्या रहनी चाहिए आखिरी घंटे के लिए, ये जानते हैं अनिल जी के साथ बिगुल के बाद। अनिल जी, ग्लोबल मार्केट्स देखे तो आज तो सहारा मिल ही रहा है। ग्लोबल मार्केट से देखिए डाउ फ्यूचर्स 150 अंक ऊपर है। सुबह सुस्ती के साथ शुरुआत हुई थी, 100-150 अंक नीचे था, अब 150 अंक ऊपर है डाउ फ्यूचर्स। वहीं अगर आप यूरोप के बाजार की बात करें तो मिलीजुली शुरुआत हुई है, पर ज्यादा एक्शन नहीं है, आधा परसेंट ऊपर या आधा परसेंट नीचे ही है। यूके का बाजार आधा परसेंट ऊपर है, फ्रांस और जर्मनी लगभग 0.2-0.3% नीचे है इस समय। एशिया के बाजार मिलीजुली क्लोजिंग रही है, हैंगसेंग हालांकि 1% ऊपर ही बंद हुआ है, और कच्चे तेल में एक बार फिर से एक्शन आ रहा है। तो ग्लोबल क्यूज से कुछ भी नेगेटिव नहीं आ रहा है, बल्कि सपोर्टिव क्यूज ही है सर। दीप, दो चीजें हैं। पहली बात यह कि आप नीचे से देखेंगे तो आपको मार्केट 100 पॉइंट ऊपर नजर आएंगे आज के लो से, जो है 9116 का, अभी 9215 पर, अभी लाल निशान में निफ्टी था, वापस से हरे निशान में आए, एग्जैक्टली 100 पॉइंट आप ऊपर है। ऊपर से आप देखेंगे तो एग्जैक्टली 130-135 पॉइंट नीचे, यानी कि 125 पॉइंट नीचे है। बराबर ऊपर से देखेंगे तो नीचे दिखेंगे, नीचे से देखेंगे ऊपर दिखेंगे, दोनों तरफ ट्रेड होता हुआ दिख रहा है। एक दो पॉइंट मैं हाईलाइट करना चाहता हूं। ग्लोबल मार्केट्स तो कल भी अच्छे थे, कल भी जब हम बंद हुए तो डाउ फ्यूचर्स 150-200 पॉइंट ऊपर ही दिख रहे थे, उसके बावजूद हमारे बाजारों में कल बिकवाली थी। आज भी डाउ फ्यूचर्स हमें 150 पॉइंट करीबन ऊपर नजर आ रहे हैं। कल और परसों में दो चीजें जो हमारे यहाँ हुई वो कहीं नहीं थी, वो ये थी कि कैश मार्केट में एफआईज और घरेलू फंड दोनों ने बिकवाली की थी। अब पॉइंट क्या है, पॉइंट ये कि अगर 1:30 बजे जो भी कट ऑफ टाइम है इक्विटी का, 1:30 बजे मेरे ख्याल से है शायद, वहां तक जो आपके कट ऑफ टाइम तक जो भी रिडेम्पशन रिक्वेस्ट आती है, उस रिडेम्पशन रिक्वेस्ट को देखकर अगर फंड आखिरी 1-1.5 घंटे में अपनी बिकवाली करते हैं कैश के लिए, तो वो आखिरी 1-1.5 घंटा भारी पड़ रहा है। ठीक है, आज जो कुछ हुआ ना उससे एक सीख मिलती है। मैं तो एक सिंपल चीज मैं तो आज दिन भर से ये चीज नोटिस करने की कोशिश कर रहा हूं कि सुबह जो कॉल गलत किया उसमें गलत किया था, क्यों ऐसा हुआ और वहां से क्या सीखना है। तो वहां से दो चीज सीखनी है। पहली चीज ये कि सुबह 9:30 बजे जो व्यू था वो एकदम गलत हो गया, और दोपहर में 2:30 बजे अब से 10 मिनट पहले जो व्यू था वो भी एकदम गलत हो गया। अभी इसे 10 मिनट पहले आप 9300 पर निफ्टी देख रहे थे, जब हमने शो शुरू की 9315 निफ्टी था, 9320 था, वहां से 125 पॉइंट नीचे है। तो पॉइंट सिंपल है। इससे जो सेकंड चीज जो समझ में आ रही, सीख मिल रही, वो ये कि बाजार बेहद वोलेटाइल है, पॉइंट नंबर वन। और इस वोलेटिलिटी में आपको ट्रेड करने का एक ही तरीका है, आपको कॉन्ट्रा होकर ट्रेड करना पड़ेगा। लेवल्स के ब्रेक होने का इंतजार करेंगे कि ये लेवल टूटने के बाद हम शॉर्ट कॉल दें, शायद हो सकता है तब तक लेट हो जाए। ऐसा नहीं कि हर बार लेट होंगे, हो सकता है कभी एक आपको क्लियर कट बड़ा ब्रेकडाउन मिले तो उसमें आप क्लियर कट कॉल भी दे सकते हैं। हो सकता है दो बार तीन बार, आज सुबह हमने 18,950 को नॉक किया, वापस घूम गए। इस बार हो सकता है बैंक निफ्टी 18,950 तोड़े तो एक निर्णायक नीचे का संकेत दे दें, जो 18,200-18,500 तक आराम से ले जा सकता है, लेकिन वो जब होगा तब देखा जाएगा। पॉइंट मेरा सिंपल है, अभी ट्रेड करने का एक ही सिंपल तरीका है कि आपको रेंज पर ट्रेड करना है, उस रेंज के लोअर एंड पर आपको खरीदना है और हायर एंड पर बेचना है। और मैं इस वक्त रेंज के बीचों बीच में हूं, और मैं फिर है ना एक बार इंतजार करना चाहता हूं कोई भी कॉल लेने के पहले, बहुत जल्दी में नहीं। और दूसरी चीज है, कल एक्सपायरी भी है, तो एक्सपायरी के लिहाज से देखते हुए यहां मुझे एक एक्सपायरी के लिए और आज के ट्रेड को देखते हुए वॉलिटिलिटी दिखती है। ग्लोबल मार्केट्स मजबूत दिखते हैं, मेरे यहां अपने फंड्स का एक्शन नेगेटिव दिखता है। तो इतने सारे इफ और बट और कंफ्यूजन के बीच में ट्रेड करना जरूरी नहीं है, तो इसलिए मैं नहीं ट्रेड करना हो उसमें ज्यादा समझाने की भी जरूरत नहीं है। नोटा है, देखते हैं आराम से क्या करना है, शांति से बैठते हैं। 19,400 मेरा 19,750 ऊपर का रेंज है बैंक निफ्टी का,
लगभग उस हायर रेंज के एंड पर ऊपर बैंक निफ्टी पहुंचा और हम आज कह भी रहे थे कि वो रेंज बेचने के लिए ठीक है, 19,500 से 19,700-19,800 में बेचिए, आपका 20,000 स्टॉप लॉस है। अब वहां पर अगर किसी ने बेचा है तो उनको नीचे में वापस अपने लेवल्स मिल रहे हैं, तो रेंज के बेटर यही है, रेंज के एंड पर हम ट्रेड करेंगे। अभी कुछ नहीं तो या तो 19,000 के नजदीक आएगा तब खरीदने के सोचेंगे, 19,700-19,800 के नजदीक आएगा तो बेचने की सोचेंगे, 19,400 पे वेट एंड वॉच। बिल्कुल, तो अनिल जी जैसे अब समझा रहे थे स्टार्टिंग ऑफ द शो में भी जब अनिल जी हमने बात कर रहे थे तो यही कहा था उन्होंने कि थोड़ा एक वो रेंज है और एक थोड़ी फ्रस्ट्रेटिंग सी रेंज है जहाँ पर बाजार अटक गया, देखते हैं कि एक डिसाइसिव मूव अपसाइड या डाउनसाइड पर आए तो फिर एक क्लियर ट्रेड आपको मिलेगा। ये तो रही इंटरडे की बात, पर मई के महीने में बाजार की चाल कैसी रहती है, मार्केट एक्शन कैसा रहता है, किधर फोकस रहता है इन्वेस्टर्स का, ये रिसर्च करी है संदीप ग्रोवर ने। संदीप बताइए क्या रिसर्च बता रही है मई के महीने में जो बाजार की चाल रहनी चाहिए और किधर फोकस रहता है इन्वेस्टर्स का, क्या बता रही है आपकी रिसर्च? देखिए हमने आदि 5 साल के जो आंकड़े हैं उनका आंकलन किया है, इनफैक्ट निफ्टी बैंक और साथ ही साथ कुछ की जो सेक्टर्स हैं उन्होंने 5 साल में हर बार मई में कैसा प्रदर्शन दिया है, उनके जो औसतन रिटर्न है वो मैं आपके सामने रखता हूँ। ये आंकड़े हमने 5 साल के जो कलेक्ट किए हैं उसके बाद जो इन्फ्लुएंस है उसका जो एक आंकलन निकल के आया सामने, मैं वो आपके सामने रखता हूँ। पहली बात तो ये है, थोड़ा चौंकाने वाला होगा कि निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों अगर आप देखेंगे पिछले 5 साल से लगातार मई के महीने में पॉजिटिव रिटर्न दोनों ही इंडाइसिस ने दिया है, 2.25% से 4.5% का पॉजिटिव रिटर्न बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों ने डिलीवर किया है। तो ये पहला इंडिकेशन है जो कि इस डेटा पॉइंट से पिछले 5 साल में निकल के सामने आया है। दूसरी बात है मेटल इंडेक्स, आप देखिए कोई भी साल उठा लीजिए पिछले 5 साल में, जो मई का महीना रहा है 5 साल में लगातार हमने देखा है कि नेगेटिव रिटर्न ही देखने को मिले हैं। औसतन रिटर्न अगर आप देखें पिछले 5 साल का जोड़ के अगर आप औसत निकालें तो करीब करीब 2.25% के आसपास के नेगेटिव रिटर्न मेटल इंडेक्स ने दिए हैं, तो यह है दूसरी चीज। तीसरी बात आप देखिए ऑटो, FMCG और IT, ये 3 ऐसे इंडेक्स हैं जिनमें अगर आप देखेंगे तो मई के महीने में अमूमन हम देखते हैं कि अच्छा प्रदर्शन ही देखने को मिलता है। ऑटो, FMCG और IT को अगर आप देखेंगे तो 1.5 से लेके करीब 2.75% तक के जो पॉजिटिव रिटर्न है ये सेक्टर्स ने डिलीवर किए, यानी कि ये जो मई का महीना है इन 3 सेक्टर्स के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी के अलावा काफ़ी अच्छा रहता है। खराब किसके लिए रहता है? खराब रहता है फार्मा इंडेक्स के लिए। अगर आप 5 साल के आंकड़े देखेंगे उन 5 में से अगर आप 4 बार के आंकड़े देखें तो फार्मा सेक्टर का जो परफॉर्मेंस है वो नेगेटिव है। इनफैक्ट आप पिछले साल का परफॉर्मेंस छोड़ दीजिए, बाकी सभी जो 4 साल आपको नजर आएंगे मई के महीने में फार्मा इंडेक्स काफ़ी खराब रहता है, और औसतन रिटर्न अगर आप देखें 5 साल का मिला के तो 0.6% के आसपास की गिरावट हर बार हम देखते हैं कि फार्मा इंडेक्स में मई के महीने में देखने को मिलती है अगर आप 5 साल के आंकड़े देखें। वहीं अगर आप ब्रॉडर इंडेक्सेस की बात करें तो स्मॉल कैप इंडेक्स और मिड कैप इंडेक्स अगर आप देखें तो यहाँ पे भी मई के महीने में गिरावट ही देखने को मिलती है, 1% से लेके करीब 0.25% के आसपास की जो गिरावट है वो जो ब्रॉडर मार्केट यानी कि स्मॉल कैप और मिड कैप इंडेक्स में देखने को मिलती है। लेकिन मैं फिर दोहरा रहा हूँ, चौंकाने वाली बात है 5 साल के आंकड़े उठा लीजिए, निफ्टी और निफ्टी बैंक दोनों ने 5 साल में हर बार मई में पॉजिटिव रिटर्न डिलीवर किए। तो संदीप एक चीज बताइए, फिर ये किसने कहावत बनाई थी, वो सेल इन मई एंड गो अवे, ये कौन सा मई था जिसमें बेच के निकल जाने की भाग जाने की बात जो कहते हैं लोग, और ये लोग कौन है जो कहते हैं? सर वो अगर मैं पढ़ पाए उसके बारे में जान पाए तो वो शायद कुछ यूके में या इंग्लैंड में कुछ वो कहावत थी, लेकिन हमने तो आपको याद होगा 2 दिन पहले ये भी बताया था कि मई महीने में बाजार का प्रदर्शन कैसा रहता है। अमूमन हमने देखा है कि ज्यादातर जो रिटर्न है वो पॉजिटिव साइड पे ही देखने को मिलते हैं, लेकिन ये पिछले 5 साल के आंकड़े हैं, हमने आपको 10 साल के आंकड़े वो बताए थे। 5 साल में तो आप देखिए लगातार निफ्टी और निफ्टी बैंक में पॉजिटिव रिटर्न ही देखने को मिलते हैं, तो थोड़ी चीज़ें चेंज हुई हैं, बाजार भी थोड़े डेवलप हुए हैं, थोड़े और समझदार हुए हैं, तो उसका इम्पैक्ट आप देखिए अब कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। चलो इंटरेस्टिंग, मजा आएगा इस, ये वाला मई बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा इसमें कोई डाउट नहीं, क्योंकि खासतौर से इस मई के पीछे 2 महीने हैं। पहला है अप्रैल का जहां भयंकर तेजी उम्मीद से कहीं ज्यादा, उससे पहले का महीना है मार्च का जहां मंदी भयंकर उम्मीद से कहीं ज्यादा। तो अब मार्च के महीने को बताना है कि ट्रेंड क्या बनता है, ये इंटरेस्टिंग होगा। और पिछले 5 सालों से मई के महीने में अब तक पॉजिटिव रिटर्न आया, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, 2.5% से 2% से लेकर 4.5% के बीच में अच्छा रिटर्न अब तक आया है। तो देखते हैं इस बार क्या कुछ होता है मई के महीने में। ओके, ये इंटरेस्टिंग रिसर्च आपके सामने रखी संदीप ने,
और निफ्टी बैंक निफ्टी लगातार पॉजिटिव रिटर्न देते हुए आपको दिखे। इस बीच थोड़े फिर से संभलते हुए आप देखिए दोनों तरफ बराबर ट्रेड हो रहा है। लाल निशान में जाते ही निफ्टी में तुरंत खरीदारी आती है और ऊपर 9300 के आसपास या इसके ऊपर पहुंचते तुरंत बिकवाली का भी प्रेशर बनता है। तो 100 पॉइंट के स्विंग निफ्टी में बेहतरीन होती हुई दिख रही है। 200-300 पॉइंट के स्विंग्स बैंक निफ्टी में जबरदस्त होती हुई दिख रही है। ये इस वक्त का ट्रेड आपके सामने होता हुआ साफ तौर पर नजर आ रहा है। तो ये आपके लिए एक बढ़िया ट्रेड है, बढ़िया एक पैटर्न है जो अगर आप पकड़ पाए तो सबसे बढ़िया रहेगा। आइए कुछ और स्टॉक्स जहां पर एक्शन भरपूर है उन पर राय ले ली जाए। अदानी एंटरप्राइजेस में सोचो एक बार फिर से राय ले लें क्योंकि नतीजे आए और नतीजे के बाद अब स्टॉक सेटल हो चुका है और 130 के ऊपर ही सेटल होता हुआ दिख रहा है। तो कुणाल जी एक बार जरूर 127.50 तक नीचे फिसला है, अब 131 रिजल्ट्स पचा लिए हैं अब एक तरह से, अब क्या करना चाहिए, अब लेवल्स रेंज जो फाइनल अब निकल कर आ रही है वो बता दें। अनिल जी देखिए कोई सुधार इसके स्ट्रक्चर में नहीं हुआ है, मतलब अगर आप ओवरऑल चार्ट देखें तो जब तक ये 135 के लेवल्स को पार ना कर ले तब तक चार्ट पर कोई ब्रेकआउट नहीं है, इसलिए तेजी करने का तो कोई कारण नहीं है। ये बात बिल्कुल सही है कि निचले स्तरों से अच्छी रिकवरी आ गई है और अब 130 के ऊपर ये ट्रेड कर रहा है, तो मुझे लगता है कि अब एक सीमित दायरा होगा 130 से 135 का, और जब तक दोनों में से किसी एक स्तर को ये तोड़ नहीं देता, इसमें क्लियर ब्रेकआउट नहीं आ जाता, तब तक मुझे लगता है कि फिलहाल इससे दूरी बना के रखें बेहतर रहेगा। ओके तो ये है आपके लिए अदानी एंटरप्राइजेस पर। आइए एक्सपायरी का ऑप्शन ट्रेड कर लीजिए, कल है वायदा कारोबार की एक्सपायरी और एक्सपायरी के पहले आपको ट्रेड कैसे करना है बताने के लिए सुमित जी हमारे साथ फोन लाइन पर हैं इस वक्त जुड़ते हुए एक्सपायरी का ऑप्शन देने के लिए। जी सुमित जी बताएं। गुड आफ्टरनून अनिल जी। अनिल जी देखिए मार्केट मेरे को ऐसा लग रहा है कि ऊपर में रेजिस्टेंस फेस कर रहा है और ऊपर में सस्टेन नहीं कर रहा है। मेरे को ऐसा लग रहा है कि यहाँ से मार्केट में एक गिरावट देखने को मिलनी चाहिए और कल हमें एक फॉल देखने को मिल सकता है। जब तक ऊपर में रेजिस्टेंस नहीं टूटते निफ्टी में तब तक सेल साइड में ही रहना प्रेफरेबल होगा। इसके लिए निफ्टी का 9200 का पुट लेने का सलाह रहेगा जो कि अभी चल रहा है 70-75 के आसपास। 9200 का पुट निफ्टी का लेने का सलाह रहेगा 70-75 के आसपास और नीचे में स्टॉपलॉस लगाना पड़ेगा 30-40 रुपए के आसपास। और यहाँ से जैसे निफ्टी में 9200 के नीचे सस्टेन करना स्टार्ट होगा तो एक अच्छा खासा फॉल देखने को मिल सकता है। उस केस में इस 9200 के पुट का ऊपर में टारगेट होगा 130 का पहला और 150 का दूसरा। तो कल तक के लिए कॉल रहेगा, बाय करें 40 रुपए के नीचे का स्टॉपलॉस लगाए, 130 से 150 का टारगेट 9200 का पुट। ओके तो मंदी करने की राय है सुमित जी की तरफ से, आज एक्सपायरी के ठीक पहले एक ऑप्शन खरीदना है और वो खरीदना है निफ्टी का पुट ऑप्शन। 9225-9230 के आसपास निफ्टी स्पॉट लेवल पर ट्रेड कर रहा है, आपको 9200 का पुट ऑप्शन खरीदना है। 70-75 रुपए की रेंज में लीजिए, 30 रुपए के आसपास लगा लीजिए स्टॉप लॉस। ऊपर में 130-150 ये होगी वो रेंज जहां पर आपको करनी है प्रॉफिट बुकिंग। सुमित जी एक ही ऑप्शन है या इसके अलावा और कोई? अरे जी फिलहाल एक ही है, अगर थोड़ी देर पे कोई दूसरा कोई अच्छा समझ में आता है तो मैं देता हूँ, मैंने निकाला था लेकिन मैं थोड़ा सा वेट कर रहा हूँ एक बार देने के लिए। वंडरफुल, वेरी नाइस, बिल्कुल। आप जब भी आपके पास दूसरा कॉल आ जाए आपको पता है क्या करना है, लाइफ लाइन यूज करिएगा, फोन अ फ्रेंड तुरंत। बिल्कुल, जिस नंबर से आपको अभी फोन आया उसी पर वापस कर लीजिए। बिल्कुल, आपके फोन का इंतजार रहेगा सुमित जी। तो बिल्कुल अगर कोई और कॉल आया तो सुमित जी आपको तुरंत बताएंगे, लेकिन इस बीच हमारे साथ तैयार है मानसी बताने के लिए कि सीमेंट की डिमांड क्यों कम हो सकती है। ये है रिसर्च मानसी के पास, मानसी बताइए। शुक्रिया आनंद जी। FY21 में 10-12% मांग में कटौती का अनुमान यहाँ पर लगाकर हम चल रहे हैं। एक तो लॉकडाउन के इश्यूज हैं ही जिसके चलते वॉल्यूम्स में कटौती देखने को मिल रही है। बिक्री की अगर मैं बात करूँ सामान्य के मुकाबले अप्रैल के महीने में 15-20% तक की बिक्री ही देखने को मिली है। शहरों में एक तो डिमांड है ही नहीं और जो डिमांड आ भी रही है वो ग्रामीण क्षेत्रों से आती हुई देखने को मिल रही है कुछ हद तक, जो भी डिमांड हम देख रहे हैं वो। साथ ही लेबर लॉजिस्टिक्स की दिक्कतें हैं जो कि सीमेंट सेक्टर को परेशान कर रही हैं। जून तिमाही में सीमेंट और कंस्ट्रक्शन के लिए अगर हम बात करें तो पर्टिकुलरली रियल एस्टेट सेक्टर और सीमेंट सेक्टर के लिए ये तिमाही काफी इंपॉर्टेंट होती है। काफी हद तक इनकी बिक्री कंस्ट्रक्शन फेज अच्छे तरीके से शुरू होते हैं, लेकिन क्योंकि पिछले दिनों लॉकडाउन की सिचुएशन हमने देखी है और अब भी जो कि यहाँ पर लॉकडाउन की सिचुएशन है इस वजह से दोनों ही सेक्टर्स को परेशानी झेलने को मिल रही है। कंस्ट्रक्शन को जो परेशानी देखने को मिल रही है इसका इवेंचुअल इम्पैक्ट सीमेंट पर आता दिखेगा ही, लेकिन इस बीच भी
सीमेंट स्पेस एक्शन में क्यों है? दो वजह है, एक तो कोयला और पेट्रो की कीमतों में कमी का फायदा मिल रहा है, दूसरी चीज कीमतों में बढ़ोतरी का फायदा। लेकिन इसी के साथ एक एंगल ये भी है कि जी बिजनेस ने एक्सक्लूसिव बातचीत की थी नितिन गडकरी जी के साथ और उन्होंने सीमेंट कंपनियों को सख्त शब्दों में चेतावनी दी है कि वो कीमतें लगातार बढ़ाना बंद करें। अगर कीमतें उन्होंने बढ़ाना बंद नहीं किया तो फिर सीमेंट की सड़कें बनाना बंद किया जाएगा। सीमेंट कंपनियों को ब्लैक मार्केटिंग और कार्टलाइजेशन से बचना चाहिए, ये हिदायत भी उन्होंने दी थी। ये तमाम चीजें हैं जिसे ध्यान में रखना है। सीमेंट सेक्टर में एक्शन हम इसीलिए देख रहे हैं क्योंकि प्राइसेज यहाँ पर बढ़ रही हैं, लेकिन लॉकडाउन की सिचुएशन और करंट सिचुएशन को देखते हुए सीमेंट कीमतों को बढ़ाना नहीं चाहिए। और इस बीच मांग में कमी है ही, जिसका सीधा इम्पैक्ट जो है FY21 में देखने को मिलेगा, 10-12% की कटौती जरूर देखने को मिल सकती है। ओके, तो ये है सीमेंट शेयरों पर आपके लिए राय, जहां पर साफ तौर पर डिमांड में कमी आने के पूरे पूरे आसार आप देख सकते हैं। आइए सीमेंट शेयरों से आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं RBL बैंक की, जो नतीजे देने वाला है कल, और नतीजों के साथ साथ पूंजी जुटाने पर भी विचार होगा, बोर्ड बैठक है तो दोनों ही काम होंगे। RBL बैंक के नतीजों को लेकर क्या अनुमान है, ये बताने के लिए पूजा हमारे साथ है, तैयार। पूजा बताइए जी। इंडसइंड बैंक के जब नतीजे आए थे तो वैसे अनुमान किया जा रहा था कि RBL बैंक के नतीजे भी उसी तर्ज पर देखने को मिल सकते हैं, यानी कि जो इस क्वार्टर का परफॉर्मेंस होगा वहां पर ज्यादा कुछ दिक्कत देखने की उम्मीद नहीं है और एसेट क्वालिटी भी जहां तक है स्थिर ही रहेगी। इनके को प्रदर्शन की बात करें तो ब्याज से आय में 30% की ग्रोथ इस बार देखने को मिल सकती है। अब क्योंकि मॉरेटोरियम के चलते इनको प्रोविजनिंग काफी ज्यादा करनी पड़ेगी कुछ सिलेक्टेड अकाउंट्स के सामने, इस वजह से हम देखेंगे कि साल दर साल इनके जो प्रोविजनिंग है वहां पर 170% से ज्यादा की बढ़त हो सकती है और इसी का असर मुनाफे पर देखने को मिलेगा। आने वाले समय के लिए बैंक की तरफ से आउटलुक क्या आते हैं, कमेंट्री क्या आती है, ये काफी इंपॉर्टेंट होगा देखना, क्योंकि इनका माइक्रो फाइनेंस और क्रेडिट कार्ड पोर्टफोलियो से स्लिपेजेस काफी ज्यादा देखने को मिल सकते हैं और इनके पोर्टफोलियो में इनका इस दोनों ही सेगमेंट का एक्सपोजर भी काफी ज्यादा है, तो वहां पर किस तरह का मूवमेंट होता है स्लिपेजेस को लेकर ये भी काफी इंपॉर्टेंट होगा वॉच करना। लोन ग्रोथ में इस क्वार्टर तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए और इसी का चलते हम उम्मीद कर रहे हैं कि मार्जिन में भी ज्यादा कुछ दबाव नहीं दिखेगा, लेकिन आने वाले समय के लिए लोन ग्रोथ पर भी किस तरह का असर पड़ता है, इन तमाम चीजों को लेकर जो बयान आते हैं मैनेजमेंट की तरफ से वो काफी इंपॉर्टेंट होगा देखना। ओके, तो ये है आपके लिए इस वक्त राय RBL बैंक के नतीजों पर। लेकिन इस बीच कंसाई नेरोलेक के रिजल्ट्स आते हुए दिख रहे हैं, मैं आपके सामने जल्दी से एक बार रिजल्ट्स रख लूं यहां पर किस तरह के नतीजे रहे। कंसाई नेरोलेक का मुनाफा 85 करोड़ से घटकर 71 करोड़। कुणाल जी आपको बताइए ना आपको क्या करना है, चार्ट तैयार रखिए। आय 1221 करोड़ से घटकर 1080 करोड़ आई है, आय घटी है। मुनाफा घटा है, ये है पहली नजर में दोनों आंकड़े। 390 रुपए के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है, देखते हैं आगे क्या कुछ होता है। कामकाजी मुनाफा और मार्जिन हम आपको थोड़ी देर में बताएंगे कैलकुलेट करके कि वो क्या है, लेकिन तब तक कुणाल जी तैयार है अपने चार्ट के साथ। कुणाल जी, लेवल्स, रेंज, चार्ट, ट्रेड, जो भी सब कुछ। अनिल जी देखिए, सीमित दायरे में स्टॉक ट्रेड कर रहा है, 392 ऊपर 382 नीचे, तो ये 10 रुपए की रेंज है जिसमें मुझे लगता है कि उसके बाहर तुरंत जाने की संभावना कम है, और 392 के ऊपर गया तो स्टॉक काफ़ी मजबूत हो जाएगा, काफ़ी दिनों से ये स्टॉक काफ़ी स्ट्रेंथ दिखा रहा है, तो मुझे लगता है कि 392 के ऊपर नहीं खरीद करनी चाहिए फिलहाल, इस स्तरों पर थोड़ा दूर रहें, वेट एंड वॉच करें, इसका ये एक्शन प्ले आउट हो जाने दें, उसके बाद फिर इसकी दिशा का अंदाजा मिलेगा। 392 के ऊपर मजबूत होगा और कमजोर किसके नीचे होगा? 382 के नीचे अनिल जी, 382 ठीक है, 382 392, दो है वो लेवल और ये है रेंज जिस पर आपको करना है फोकस। 392 की तरफ कुणाल जी तैयार है ना, 392 बन रहा है तो मतलब जा रहा है ऊपर की तरफ, तैयारी कर रहा है। 390 92 94 ये लो हो गया, अब बोलो 97 अनिल जी ब्रेकआउट हुआ है, बड़ा वॉल्यूम भी बहुत ही शानदार हुआ है अनिल जी। अब ये देखिए 392 के ऊपर अगर एक मिनट टिक जाए तो इसको बाय करना चाहिए अनिल जी। 404 रुपए का टारगेट होगा 404 का, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि 392 के ऊपर टिक जाए, 404 के लक्ष्य से बाय करना चाहिए। अरे प्रभु, आप मतलब आपके चरण कहाँ है ये बताइए, 404 बनाया अब तो, और वो भी पार कर गया, 406 हो गया अब तो, अब
अनिल जी देखिए प्रॉफिट बुक करना चाहिए, इंट्राडे में 404 रुपए पर रेजिस्टेंस है, मुझे लगता है कि 404 जब पार करेगा तो फिर 412 के लेवल्स भी आएंगे, लेकिन एक बार इंट्राडे के लिए अगर आपने ट्रेड किया है तो प्रॉफिट बुक करना चाहिए। अब ऐसे मौका मिला नहीं होगा, मिनटों में ही हो गया काम, एकदम फटाफट बात करते करते सब भाग गया, तो 404 के ऊपर टिकेगा तो अब 412, लेकिन अगर आ गया तो प्रॉफिट ले लीजिए, लेकिन आपको लेवल एकदम परफेक्ट बता दें, 392 के ऊपर निकलते ही रॉकेट एकदम परफेक्ट। ये इस तरह का मतलब ये रिजल्ट पे जो कुणाल जी की गहरी पकड़ है किस तरह से तुरंत आपको बताते हो। अब मैं बता दूं कि किस वजह से ये भागा, आय और मुनाफा दोनों कम हुआ है लेकिन मार्जिन्स मेंटेन किए हैं कंपनी ने, 12.5% के मार्जिन्स घटकर 12.4% रहा, मतलब खाली 10 बेसिस पॉइंट से, इसका मतलब मार्जिन्स मेंटेन कर पाए और यही वजह है कि स्टॉक भाग गया। तो मार्जिन खराब नहीं आए इस खराब माहौल में भी, तो ये कंजाई नेरोलक, दीप इसका नाम यही है ना, गलत तो नहीं बोला, कंजाई नेरोलक? नहीं अनिल जी, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, कंजाई नेरोलक एकदम सही नाम है सर। अब मैंने सोचा कि दीप के साथ रह रहे कि थोड़ी अच्छी सी मतलब बढ़िया वाली वो हाई क्वालिटी वाली इंग्लिश सीख ली जाए, नहीं तो हम तो कंजाई नेरोलक बोलते हैं, और जब कंजाई नेरोलक बोलते हैं, जब दीप बोलते हैं कंजाई नेरोलक, यही है ना दीप, क्या है, कैसा प्रोनाउंसिएशन इसका सही क्या है? बिल्कुल जी, कंजाई नेरोलक सर, कंजाई नेरोलक, ओके कंजाई नेरोलक, ओके। चलिए आइए अब जल्दी से शामिल करते हैं नितिन जी को हमारे साथ है, देने के लिए छोटा ऑप्शन बड़ी कमाई। बताएं सर, ये कल एक्सपायरी है और लास्ट तीन दिनों से ऐसा हो रहा है कि हाई बार बार बाउंस को सस्टेन नहीं कर पा रही, नहीं थी आज भी सस्टेन नहीं कर पाई, कल भी ऐसा ही हुआ था, तो मुझे लग रहा है एक्सपायरी हो सकता है 92 के नीचे हो, यानी 92 से 9000 के बीच में एक्सपायरी होती हुई ऐसा लग रहा है, तो हम 92 और 9000 की एक स्प्रेड क्रिएट करेंगे जो 30 रुपये में बनेगी। 92 की पुट ऑप्शन मुझे लेनी है जो 80 रुपये में आपको मिल रही है, एट द मनी पुट ऑप्शन है, और 9000 की पुट को हम बेच देंगे डबल जो 25 रुपए में बिक रही है, तो 25-25-50 रुपए मुझे आ जाएंगे, तो इसमें टोटल 30 रुपए की कॉस्टिंग है। मैं 9000 की इसलिए बेच रहा हूँ क्योंकि 9000 पे मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट है, कल के हिसाब से देखा जाए तो वो सपोर्ट बन जाता है। इस स्ट्रेटजी में 92 से 9000 के बीच में आपको प्रॉफिट है, इनफैक्ट आप 8800 तक सेफ हो, तो 92 से 88 तक सेफ हो, 30 रुपए की कॉस्टिंग आ रही है आपकी, और स्टॉप लॉस फिर भी नीचे 8800 के नीचे अनलिमिटेड रिस्क है, तो वो मेरा फाइनल स्टॉप लॉस होगा, और 30 रुपए का प्रीमियम ये स्ट्रेटजी बना सकते हैं। दूसरा स्टॉप लॉस एक चीज और रखेंगे अनिल जी इसमें, जी कि 30 रुपए हम दे रहे हैं, अगर मेरे को 20 रुपए का नुकसान लगने लग जाए, यानी 10 रुपए का ये स्प्रेड रह जाए तब भी काट लेंगे, यानी नेट नेट मुझे 20 रुपए का ही नुकसान देना है किसी भी कंडीशन। ओके, और टारगेट कितना, 9000 आ गया निफ्टी, तो मैक्सिमम प्रॉफिट कितना हो सकता है अंदाज से? जी अनिल जी, 9000 पे तो 170 रुपए का प्रॉफिट होगा, तो रिस्क वर्ड रेशियो काफी बेटर है, बट अगर किसी अच्छा? कारण से 91 के आसपास की एक्सपायरी हो जाती है तो आपको 70-80 रुपए का प्रॉफिट मिल सकता है। ओके, वंडरफुल, बहुत ही बढ़िया स्ट्रेटजी है नितिन जी। अगर लेकिन अगर यही है कि आपका व्यू अगर ये है कि मंदी हो सकती है, एक्सपायरी नीचे हो सकती है, तो नितिन जी जो व्यू दे रहे हैं बहुत ही परफेक्ट है। 9200 का एक पुट ऑप्शन खरीदिए, 80 रुपए में मिल रहा है, ठीक है, नोट कर लीजिए, 9200 वाला एक पुट ऑप्शन खरीदना है, 9000 वाले दो बेचने हैं, 25 रुपए में बिक रहा है, तो 25-25-50 रुपए वहां से आ गए, 80 रुपए गए, 50 आ गए, 30 रुपए की नेट नेट कॉस्ट आपके लगी, ठीक है। अब इसमें आपकी जो 30 रुपए की कॉस्ट लगी, ये इसका गैप होकर कम होकर 10 रुपए रह जाए तो एग्जिट कर लीजिए, तो आपको नुकसान मैक्सिमम 20 रुपए करना है, पहली चीज तो ये समझ लीजिए। अब ये है कि चूंकि आप एक फुट एक्स्ट्रा बेच रहे हैं, तो अगर 8800 के नीचे निफ्टी चला गया तो अनलिमिटेड रिस्क हो जाएगी। अभी देखो, अभी हम 9235-40 पे, यानी कितना, 450-450 पॉइंट। अब आपको ये लगता है कल 450 पॉइंट गिर सकता है, तब तो एक अलग चीज है, तब तो रिस्क है, और तब भी चला जाए तो 8800 जाते हैं, आप अपना काट लेना, तुरंत ही प्रभाव से पोजीशन जीरो कर लेना, तो वो ठीक रहेगा। तो ये आपके लिए बेहतरीन स्ट्रेटेजी किरण जी ने दी है, सॉरी नितिन जी ने दी है। नितिन जी यही है, इसके अलावा और भी कोई ऑप्शन है एक्सपायरी का? नहीं अनिल जी, बस ये निफ्टी ऑप्शन की एक्सपायरी स्ट्रेटेजी है। परफेक्ट, तो इस बीच जय ठक्कर साहब भी हमारे साथ देना चाहते हैं एक स्ट्रेटेजी, और उसके बाद किरण जी भी हैं लाइन में, तो जल्दी से जय सर के लिए बिगुल बीटीएस डबल टी का।
बताएं सर जय जी, कॉल ऑप्शन देना चाहूंगा एक, और अगर आप देखें तो यू नो कहीं ना कहीं ऑटो स्टॉक्स में जो हिसाब से एक शानदार आज मूव देखने मिल रहा है उसमें से एक M&M महिंद्रा में क्लियरली आर्ली चार्ट्स पर एक क्लियर ब्रेकआउट देखने मिला है। इन द मनी कॉल ऑप्शन यू नो बाय करने का मैं सजेस्ट करूंगा। 380 का कॉल ऑप्शन खरीद कर चलने की सलाह अनिल जी, जो भी 30 रुपए पे मिल रहा है, 30 रुपीज पे 380 का कॉल ऑप्शन मिल रहा है, तुरंत बाय करके चलना चाहिए। इसमें स्टॉप लॉस रहेगा छोटा सा अनिल जी 22 रुपए का, मतलब 8 रुपए का स्टॉप लॉस, 30 रुपए पे 22 रुपए का स्टॉप लॉस। 380 वाला कॉल ऑप्शन का टारगेट करीब करीब मुझे ऐसा लग रहा है कि अनिल जी 44 से लेके 49 तक के लेवल हमें दिखा सकता है, बिकॉज क्लियरली मैं M&M में ये देख रहा हूँ कि वीकली चार्ट्स पर तो काफी अच्छा लग रहा है स्टॉक, एक बहुत ही बढ़िया ब्रेकआउट। इनफैक्ट कल के ट्रेडिंग सेशन में अगर हम देखें तो इसमें एक अच्छा ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप देखने मिला था, एक अच्छा वॉल्यूम्स भी देखने मिला था कल के ट्रेडिंग सेशन में, और जो हिसाब से लगातार ये स्टॉक में हाई टॉप्स हाई बॉटम हमें देखने मिल रहा है, महिंद्रा एंड महिंद्रा का स्टॉक इटसेल्फ मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं चार्ट्स दिखा सकता है, तो अगर वहां तक जाता है तो इस स्टॉक में हमारे टारगेट्स अचीव हो जाएंगे। तो आई थिंक 42 एंड 48 ये दो टारगेट्स के लिए बाय किया जा सकता है 22 के स्टॉप लॉस के साथ 380 का कॉल ऑप्शन। ओके 380 रुपए का कॉल ऑप्शन खरीदिए 30 रुपए में और 22 रुपए का लगाइए स्टॉप लॉस, और 44 से लेकर 49 रुपए तक के टारगेट के लिए M&M का 380 का कॉल ऑप्शन खरीदारी करने की राय। M&M फाइनेंस पर अभी अभी भसीन साहब ने राय दी खरीदारी की, दो दिन से आशु सर लगातार M&M फाइनेंस खरीदने की राय दे रहे हैं, मेरे ख्याल से उन्होंने 155 के आसपास से आशु सर भी लगातार कह रहे हैं, तो यहां खरीदारी करने की, तो पूरे महिंद्रा ग्रुप के स्टॉक्स में बढ़िया तेजी बनती हुई दिख रही है, बढ़िया तेजी बनती हुई दिख रही है मार्केट में। आखिरी आधे घंटे में जब हम जाएं तो बाजार फिर से 9,250 के पार निकला है निफ्टी पर और 1,900 के पार निकला बैंक निफ्टी पर। ऐसे में एक बढ़िया बेहतरीन बिगुल किरण जी के लिए BTS डबल टी का। जी किरण जी। अनिल जी मेरा भी स्टॉक महिंद्रा एंड महिंद्रा भी है, महिंद्रा ही है, बहुत ही बेहतरीन ब्रेकआउट दिया है पिछले एक महीने के कंसोलिडेशन पे, जहां पे ऑटो सेल्स प्रैक्टिकली जीरो हुए थे, और जब जीरो हुए थे तब ये स्टॉक गिरा नहीं और एक रेंज में ट्रेड करता नजर आया, और ये फॉलिंग ट्रेंड लाइन का बहुत ही बेहतरीन ब्रेकआउट है, बहुत ही अच्छा कॉल ऑप्शन दिया है। मैंने भी ये डेरिवेटिव डेटा पढ़ा है, हमने देखा है 380 का 390 400 410 और 420 ये सारे कॉल्स में अनवाइंडिंग देखने को मिल रही है, और सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट 380 के कॉल ऑप्शन में देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से ये सारे के सारे शिफ्ट हो रहे हैं ऑन द हायर साइड, मेरा मानना है कि मैं पोजिशनली ये रखना चाहूंगा, और 410 से लेके 415 के टारगेट्स के लिए बाय करके चलना चाहिए करंट लेवल से, और स्टॉप लॉस मेरा 380 का रहेगा। 7 रुपए का रिस्क है, इधर से ऊपर में करीबन 25 से 30 रुपए का रिटर्न देखने को मिलेगा। क्या बात है, तो एक एक के बाद एक सारे लोग बुलिश होते हुए दिख रहे हैं M&M पर और M&M फाइनेंस पर भी, तो एक बार मैं सोच रहा हूँ M&M फाइनेंस पर मैं आपसे अपडेट ले लूं, क्योंकि आशीष सर आपने भी M&M फाइनेंस खरीदने की राय दी थी, M&M फाइनेंस और क्या यहाँ से इस लेवल से भी अच्छा है? डिप आता था तो मैं इसमें सबको कह रहा हूँ कि अगर आपको ट्रेडिंग करने का मौका मिले तो करो, लेकिन मेरा जो अनिल जी टारगेट है 180-185 का है। अनिल जी जैसे मैंने आपको बोला, मैं फिर एक चीज़ रिपीट कर रहा हूँ, मार्केट खराब लगने के बावजूद मेरे को जो सेलिंग करनी है अपने लेवल से करनी है। मैंने NBFC आपको भी सुना कि फाइनेंशियल वीक है, मैं बैंक्स में ज़्यादा वीक हूँ, लेकिन बेचना अपने भाव से, क्योंकि NBFC के नीचे के रेट में अनिल जी कोई बेचने वाला भाव नहीं मिल रहा। और अनिल जी मैं लिबर्टी लेके अभी भी बोल रहा हूँ कि नितिन ने जो स्ट्रैटेजी दी है मैं सिर्फ इसको सपोर्ट करता हूँ 9,000 की बेचने से, क्योंकि मेरा मानना है कि 25-30 रुपए का रिस्क जरूर ले सकते हैं, एक्सपायरी अभी भी 9200 के ऊपर होने के ही चांसेस हैं 99% अनलेस कोई अलग से बैड न्यूज ना आ जाए, क्योंकि अभी भी सिस्टम इसको रोक रहा है। ये 91-92 ऐसा लेवल है कि हमें लगेगा खराब है, खराब होगा नहीं, ऊपर जाएगा लगता है कि भागने लगेगा, पैकेज आ रहा है वो होगा नहीं, इसी बैंड के अंदर ये दोनों तरफ जो आपने भी आज नोटिस किया स्टॉप लॉसेस करवाएगा, तो इस बैंड के अंदर अनिल जी सिर्फ सेलेक्ट स्टॉक के साथ रहना है, बहुत पेशेंस रखनी है, नहीं करना कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, हर 100 पॉइंट की मूवमेंट में लगेगा कुछ करना है, दैट इज द कंट्रोल व्हिच वन शुड हैव, एंड टू एक्सरसाइज दैट कंट्रोल वन शुड कॉन्सेंट्रेट ऑन स्टॉक्स, एंड उसमें अनिल जी महिंद्रा एंड महिंद्रा बिल्कुल डेफिनेटली बहुत स्ट्रॉन्ग स्टॉक है। एक और स्टॉक भी अनिल जी मुझे लगता है 125-30 रुपए के बीच में DLF भी अपनी जो इंटरमीडिएट रेंज बनाई है 130-140-150 होता है, फिर लोअर एंड पे खड़ा हो गया है, तो अगर किसी को लेना है तो कॉल के थ्रू शायद इसमें भी ट्रेड किया जा सकता है, बट अनिल जी मैं मंदी के बावजूद भी भाव अपने भाव से ऊपर में बेचूंगा, अभी नहीं बेचूंगा मैं।
ओके परफेक्ट, बिल्कुल ठीक बात है। दोनों ही तरह के ट्रेड लेना मुश्किल है इस तरह के मार्केट में। ट्रेंडिंग मार्केट नहीं है, वोलेटाइल मार्केट है। ऐसे वोलेटाइल मार्केट में एक ट्रेड आपके लिए एल्गो का आ रहा है, चार्ट कॉर्नर कुणाल जी राकेश जी के लिए और राकेश जी की तरफ से, और उसके बाद जैसा तैयार है, उनके पास छोटा ऑप्शन बड़ी कमाई भी है और साथ ही बीटीएस टीटी ट्रेड भी, तो ढेर सारे ट्रेड्स एक के बाद एक। पहले कुणाल जी राकेश जी के लिए बिगुल। बताएं सर। अनिल जी, एल्गो ट्रेड है, हाई मोमेंटम में स्टॉक है, पूरे उफान में। शेयर का नाम है सीक्वेंट साइंटिफिक, जिसने अभी अभी 82 रुपए के लेवल को पार किया है, बहुत ही बेहतरीन तेजी बनते हुए नजर आ रही है और इस स्टॉक को मौजूदा स्तरों पर बाय करना है। ये स्टॉक 90-95 के लेवल्स दिखा सकता है, इन स्तरों पर बाय करके चले। ओवर टू राकेश जी। अनिल जी, बड़े चार्ट पर एक बड़ा ब्रेकआउट है, मिस नहीं करना चाहिए। 79 रुपीज का स्टॉप लॉस है, 91 रुपीज पहला टारगेट, 95 रुपीज दूसरा टारगेट, डू नॉट मिस स्टॉक है। ओके, 84 के आसपास, 84-85 की रेंज में आप सिक्वेंट साइंटिफिक को खरीदिए और यहां पर ऊपर का टारगेट आपका बनेगा 91 का पहला, 95 का दूसरा, 79 का स्टॉप लॉस। आइए अगला कॉल जय ठक्कर के लिए। जय सर, पहले ये बताइए, पहले कौन सा चाहिए आपको, बीटीएसटीटी या फिर छोटा ऑप्शन बड़ी कमाई? पहले रंजीत जी बीटीएसटीटी कर देते, फिर सीओबी के करते। ठीक है, बीटीएस डबल टी। बताइए सर। अनिल जी, बाय करना है, कॉन्ट्रा बैट रहेगा। जनरली ऐसे मार्केट में हमने देखा है कि फाइनेंशियल्स पे बैंकिंग में काफी प्रेशर रहा है, बट आज कहीं ना कहीं आउट परफॉर्म कर रहा है, यही फाइनेंशियल, यही बैंकिंग, और मैं कहूंगा वही सपोर्ट कर रहे हैं आज मार्केट को ऊपर की तरफ। आरबीएल बैंक अनिल जी, इसमें क्लियरली मैं कहूंगा एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न फॉर्म हो रहा है। 130 के आसपास ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है, आई एम सॉरी 130.50 के आसपास ट्रेड कर रहा है, बट इसमें मैं कहूंगा क्लियरली एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न है, एक पॉजिटिव मोमेंटम के साथ ट्रेड भी कर रहा है एंड मैं कहूंगा डाइवर्जेंस भी देखने मिल रहा है। 124 का एक पोजिशनल बेसिस पे स्टॉप लॉस रहेगा, 124 के स्टॉप लॉस के बाद बाय करना आरबीएल बैंक, जो 130.50 पर मैं रेकमेंड किया है जी। इसमें टारगेट जो मैं पहला वाला एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 144 का है, दूसरा वाला रहेगा 148 का। बड़े टारगेट्स दे रहा हूँ अनिल जी, 144 एंड 148 कंपैरेटिवली परसेंटेज वाइज देखेंगे तो काफी अच्छा है, बट अगर आप देखें तो स्टॉप लॉस मैंने केवल बताया 126 का, राइट 124 का। सो रिस्क रिवॉर्ड पॉइंट ऑफ व्यू अनिल जी काफी अच्छा है, बिकॉज 6 रुपए नीचे और ऊपर में लगभग अगर आप देखें तो मोर देन 12 रुपीज है, तो 1:2 से ज्यादा रिस्क रिवॉर्ड आरबीएल बैंक में नजर आ रहा है। बहुत ही बढ़िया बुलिश रिवर्सल पैटर्न है, इनवर्स हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न। लेकिन भाई साहब कल रिजल्ट है ना इसके, कल रिजल्ट है तो रिजल्ट के हिसाब से ठीक है ना, अब रिजल्ट के रिस्क को भी थोड़ा गिन के बताओ। अनिल जी मुझे तो सही लग रहा है, मतलब चार्ट के पैटर्न्स तो ये सब से दिखा रहे हैं कि कहीं ना कहीं रिजल्ट के बाद ब्रेकआउट ऑन दी अपसाइड आना चाहिए। बट अनिल जी अगर किसे हेज करना है तो एक चीज मैं बता सकता हूँ कि अगर कल के पॉइंट ऑफ व्यू अगर अगर यू नो रिस्क अवर्स लोग हो कोई, तो इसमें एक चीज की जा सकती है, ये कि कवर्ड कॉल हम कर सकते हैं। मतलब हमने 130 रुपए पे अगर ये रेकमेंड किया है फ्यूचर्स इसका के, और अभी तो 2 रुपए ऑलरेडी इन द मनी हो गया है, बट नेवरदलेस हम ये कर सकते हैं कि हम 140 का कॉल ऑप्शन ऊपर की तरफ बेच भी सकते हैं, 14 रुपए 14.5 रुपए पे इनफैक्ट बिक रहा है, 14.5 पे, तो ये कवर्ड कॉल हो जाएगा तो रिस्क थोड़ा कम हो जाएगा। ओके ठीक है। नहीं मैं तो खाली आपको, मैं आपके कॉल पे शक नहीं कर रहा, मैं खाली अलर्ट कर रहा हूँ क्योंकि एक तो आरबीएल बैंक और उसके ऊपर रिजल्ट, और कल रिजल्ट इसके वेरिएबल है, अभी टाइम फिक्स पता नहीं है क्योंकि मैं अभी जस्ट चेक कर रहा था कुशल का मैसेज, तो एक्सेल टेक पोस्ट मार्केट आएंगे, लेकिन आरबीएल बैंक के रिजल्ट मार्केट के दौरान भी आ सकते हैं और मार्केट के बाद भी। हाँ लेकिन ये पक्का है 9:15 के पहले नहीं आएंगे, तो चिंता न करें। अगर आप ट्रेड करते भी हैं तो कल रिजल्ट आने के पहले एक बार आपको एग्जिट का मौका तो जरूर मिल ही जाएगा, तो चिंता न करें। तो 131-132 के आसपास खरीदिए, 124 का स्टॉप लॉस, 144-148 के टारगेट के लिए। कल आप अपने स्टॉप लॉस को थोड़ा बड़ा डीप कर लें, रिजल्ट्स हैं तो उस लिहाज से थोड़ा सा आपको एडजस्ट करना जरूरी रहेगा। अभी अभी आपने थोड़ी देर पहले रिजल्ट्स का अनुमान पूजा से सुन ही लिया। आइए अब बीटीएसटी हो गया, छोटा ऑप्शन बड़ी कमाई, जय कई। बताएं जय।
अनिल जी, ऑरोबिंदो फार्मा जो पहले भी बाय रिकमेंडेशन इस पे दिया हुआ था और एक बहुत ही बढ़िया मूव, शानदार मूव ऑरो फार्मा के कॉल ऑप्शन में हमें देखने मिला था। इनफैक्ट मैं कहूंगा कहीं ना कहीं ये पैटर्न को रीटेस्ट कर अपनी शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस को रीटेस्ट कर फिर से ये स्टॉक में एक अच्छा उछाला देखने मिल रहा है। जब तक वो ट्रेंड पॉजिटिव है, जब तक ये ओवरऑल मोमेंटम पॉजिटिव है, मैं कहूंगा ऑरोबिंदो फार्मा में तेजी कर चल सकते हैं। तो 660 का कॉल ऑप्शन लेके चलना है, ये भी थोड़ा बहुत इन द मनी है, लाइक महिंद्रा एंड महिंद्रा का जो मैंने दिया। बट 660 का कॉल ऑप्शन जो मिल रहा है हमें 50 रुपए पे, ये बाय करके चलना है नहीं जी। इसमें स्टॉप लॉस नीचे में मेंटेन कर सकते हैं हम 40 रुपीज पे, और ऊपर में जो टारगेट बनकर आ रहा है पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू 65 एंड सेकेंड टारगेट रहेगा 71। तो 50 रुपए पे बाय करना है 660 का कॉल ऑप्शन 65 एंड 71 के टारगेट्स के लिए, 40 का एक स्टॉप लॉस रहेगा। ओवरऑल मोमेंटम दूसरे फार्मा स्टॉक में भले ही थोड़ा वीक हो चुका हो या तो साइडवेज टू नेगेटिव हो, बट कुछ फार्मा स्टॉक्स लाइक ऑरोबिंदो फार्मा, अनिल जी, यहाँ पे अभी भी तेजी कंटिन्यू है। तो जब तक उसमें रिवर्सल नहीं देखने मिलता, आई थिंक लॉन्ग बायस के साथ ही ट्रेड करना चाहिए यहाँ पे। ओके, तो ये है ऑरोबिंदो फार्मा पर आपके लिए खरीदारी करने की राय। 660 रुपए वाला कॉल ऑप्शन आपको खरीदना है 50 रुपए में, इन द मनी कॉल ऑप्शन हो गया ये तो एक तरह से। हाँ, 665 पर चल रहा है स्टॉक, तो इन द मनी हो गया। 40 रुपए का स्टॉप लॉस, यानी कि 10 रुपए की रिस्क है, जिसमें से 5-6 रुपए तो आप इन द मनी ले ही रहे हो, तो ये हो गया। और 65 से 71 रुपए के टारगेट के लिए आपको करनी है ऑरोबिंदो फार्मा के कॉल ऑप्शन में खरीदारी। अब आपको दो चीजें बता दूं इंटरेस्टिंग, एक तो आपके लिए कुणाल जी और राकेश जी की तरफ से पिक ऑफ द डे आने वाला है, वो पिक ऑफ द डे कल का होगा जो आज ही मिल जाएगा। और अब तक आपको 3 मिली है पिक ऑफ द डे, आइबुल हाउसिंग फाइनेंस, दूसरा अदानी पोर्ट और तीसरा कलका अपोलो टायर, तीनों ने कमाल किया है। तो अब चौथी पिक आपको आज मिलने वाली है। उससे पहले एक चीज और भी है, और वो ये है कि भसीन साहब ने भी मैसेज किया है, भसीन साहब भी एक कॉल और देना चाहते हैं, तो वो भी हमारे साथ में फोन पर जुड़े रहे, वो जुड़े। उससे पहले जल्दी से हम एक बार एक काम करते हैं, पिक ऑफ द डे का बिगुल बजा देते हैं कुणाल जी और राकेश जी के लिए। ओके, तो ये है आपके लिए पिक ऑफ द डे कुणाल जी और राकेश जी की तरफ से। बताएं सर, कौन सा स्टॉक है और खरीदने या बेचने की किसकी क्या राय है आपकी? अनिल जी, खरीदारी की राय है सीमेंट स्पेस में, टॉप पिक लगता है ACC। इसके नतीजे भी बढ़िया आए थे, पैटर्न काफी बढ़िया है, नीचे में राउंडिंग बॉटम पैटर्न फॉर्मेशन बना हुआ है और 30-40 रुपीस का अपमूव इमीडिएटली देने का धमकम रखता है। ACC हमारा पिक ऑफ द डे है। ओवर टू कुणाल जी। अनिल जी, देखिए बहुत ही बेहतरीन स्ट्रक्चर है आज, अगर आप देखें अनिल जी, तो इस स्टॉक ने धीरे धीरे करके धीमी गति से इसमें तेजी पूरे दिन देखने को मिली और अब इसमें ब्रेकआउट आता हुआ नजर आ रहा है, तो ये शेयर जो है कल भी कमाल दिखाएगा। तो हमारी राय में ACC को खरीद करके चलना चाहिए। 1140 रुपये पर 1140 पर एक स्टॉप लॉस रखें, 1215 रुपया पहला टारगेट होगा और 1260 रुपये दूसरा टारगेट होगा, तो 1215-1260 के लिए बाय करना है ACC को और 1140 रुपये पर स्टॉप लॉस रखना। 1140 का स्टॉप लॉस, 1210 माफ कीजिएगा, ये पहला टारगेट है और दूसरा टारगेट कौन सा बताया कुणाल जी? अनिल जी, 1260 रुपए का अग्रेसिव टारगेट है दूसरा। ओहो, क्या बात है, इतना जबरदस्त ओपन इंटरेस्ट 31% बढ़ा है, क्या हो गया ऐसा? सीमेंट शेयर ही खरीदे जा रहे हैं लोग, गजब, 31% ओपन इंटरेस्ट में इजाफा तो काफी बड़ा कहा जाएगा। और तीसरे चौथे नंबर पे है ओपन इंटरेस्ट बढ़ने के मामले में, तो ACC बहुत ही मजबूती के साथ बढ़ता हुआ ये स्टॉक 1175-80 के आसपास ट्रेड कर रहा है, 1140 का। और इस बीच भसीन साहब हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ रहे हैं, तब तक जल्दी से एक स्टॉक पर रिसर्च ले लें मानसी से, और वो स्टॉक है माइंडट्री। रिजल्ट आने के बाद से जबरदस्त तेजी, पूरे IT स्पेस में अकेला जबरदस्त मजबूत शेयर, क्यों बढ़ रहा है मानसी बताइए। जी बिल्कुल अनिल जी, IT सेक्टर का सरताज ही कहेंगे, क्योंकि 2020 के शुरुआत से ही अगर किसी शेयर ने IT स्पेस में रिटर्न दिया है तो वो माइंडट्री है।
सबसे पहले तो कोरोना के दौरान आईटी इंडस्ट्री में सबसे मजबूत प्रदर्शन ये कंपनी ने दिखाया है। आईटी सेक्टर पर ग्लोबल मंदी की मार तो हम देख ही रहे हैं क्योंकि काफी हद तक इनका कारोबार जो है वो ग्लोबल इंडिकेटर्स पर भी निर्भर करता है, लेकिन इसके बावजूद माइंडट्री का प्रदर्शन मजबूत रहा है। तेजी के अहम कारण अगर देखें तो इनकी डील पाइपलाइन जो है बेहद मजबूत है। मार्च क्वार्टर में करीब 39 करोड़ डॉलर की डील्स इन्होंने साइन की है। FY20 कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू की अगर बात करें करीब 15% की बढ़त यहाँ पर भी देखने को मिल रही है। ट्रैवल टेक्नोलॉजी मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट में इनका मजबूत प्रदर्शन है। वर्क फ्रॉम होम और कोरोना की जो दिक्कतें हैं इसका ज्यादा असर जितना आईटी स्पेस पर पड़ रहा है वो कह सकते हैं कि माइंडट्री पर इतना प्रभाव पड़ता हुआ नहीं दिखा है। शेयर के प्रदर्शन की अगर बात करें तो पूरे आईटी सेक्टर में माइंडट्री ही है जिसने 2020 की शुरुआत से यानी कि 4 महीनों में 12% का रिटर्न दिया है। इसके अलावा टेक महिंद्रा विप्रो जैसे शेयर्स हैं जिन्होंने 25 से 34% की गिरावट देखी है। साथ ही आप देखिए जस्ट डायल 37% की गिरावट और इसी सूची में हेक्साबेयर एम्फासिस जेलेंटी इन्फोटेक एनआईटी टेक्नोलॉजीज टीसीएस करीब 9% से लेकर 34 से 37% की गिरावट ही दिखा चुके हैं। सिर्फ माइंडट्री 12% की बढ़त दिखा रहा है। ओके ये है आपके लिए माइंडट्री पर राय। ओके तो जबरदस्त तेजी के साथ कारोबार होता हुआ दिख रहा है। किरण जी जरा इसके चार्ट देखिए और बताइए रिजल्ट्स के बाद से जो मजबूती बनी है क्यों और आगे बढ़ेगी या फिर हो गया जितना बढ़ना था बढ़ गया? नहीं मुझे लगता है कि चार्ट पैटर्न अभी भी काफी स्ट्रांग है माइंडट्री के और डेरिवेटिव डेटा भी काफी स्ट्रांग देखने को मिल रहा है। मेरा मानना है कि 880 के स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग पोजीशंस रखने चाहिए। जो मूव है मुझे लगता है कि ये इवेंचुअली आईटी स्टॉक में आउट परफॉर्मर मिड कैप आईटी स्टॉक्स में आउट परफॉर्मर तौर के पे उतरेगा। 975 से लेके 1000 के टारगेट्स आपको इस चार्ट पैटर्न में देखने को मिलेंगे। तो मेरा मानना है कि स्टॉप लॉस और उसके बाद अनिल जी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करना चाहिए इस स्टॉक में। ओके और इस बीच आरबीएल बैंक और मजबूती से ऊपर आता हुआ दिख रहा है। 134 रुपए तक पहुंचा है जय के रिकमेंड करने के बाद और तेजी बनती हुई दिख रही है। स्टॉक मजबूती से जो मजबूत है वो बहुत मजबूत है। अब टॉप गेनर होता हुआ टॉप गेनर तो एनआईटी टेक है 18-19%। आरबीएल बैंक सेकंड नंबर पर है 8% की तेजी के साथ। श्रीराम ट्रांसपोर्ट महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस बजाज फाइनेंस सारी एनबीएफसी काफी मजबूती के साथ कारोबार करती हुई दिख रही है। ओके आइए भसीन साहब हमारे साथ अब कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं उनके लिए बिगुल। भसीन साहब स्वागत है सर एक बार फिर से आपका। बताएं सर फ्रेश कॉल देना चाहते हैं या अपडेट? नहीं फ्रेश कॉल है सर आपको। एलएनटी फाइनेंस को 2-3 दिन से कह रहा था अंडर परफॉर्म कर रहा है उसमें बने रही है 63 से 65 का टारगेट है। आज हो गया? लेकिन आज एनबीएफसी में कोई न्यूज आनी है क्योंकि एनबीएफसी में बहुत स्ट्रेंथ है तो मैं चाहता हूँ कि 2 शेयर और मैं बोल सकूँ जो उससे रिलेटेड है जिनमें बीटीएससी है माने आज लीजिए और कल आपको उसमें प्रॉफिट आना चाहिए। जी तो बताएं सर पहला स्टॉक कौन सा है? पहला है सर चोला फाइनेंस 147.5 से 148 चल रहा है। 148 तक का आपको लीजिए इसमें 141 का स्टॉप लॉस 143 का स्टॉप लॉस रखिए और 163 to 165 का टारगेट चोला फाइनेंस। ओके 163-165 के टारगेट के लिए चोला फाइनेंस। ये लेवल सारे कैश के हैं 148-149 के आसपास चल रहा है यहाँ पर आप कर सकते हैं खरीदारी और ये आपको कल के लिए है। ये शॉर्ट टर्म ट्रेड से ये ध्यान में रखिएगा वसीन साहब की तरफ से आज कल के लिए बीटीएसटी कॉल्स के तौर पर इन्हें देखिए और 143 का स्टॉप लॉस लगाना है 143 का 163 और 165 ये दो टारगेट आपको चोलामंडलम फाइनेंस के लिए। तो जाहिर सी बात है कि वो एनबीएफसी जो अभी तक नहीं चली है वहां पर एक्शन आने की पूरी पूरी संभावना है। मैं दूसरा कॉल लूं बसीन साहब से उससे पहले एक इम्पोर्टेंट न्यूज फ्लैश हो रही है वो मुझे बताना जरूरी है दर्शकों को। चीन और अमेरिका के बीच में कुछ डेवलपमेंट्स जो होते हुए दिख रहे हैं वो डेवलपमेंट्स मैं आपके सामने रख दूं। चीन का अमेरिका पर पलट वार होता हुआ दिख रहा है। चीन की तरफ से कुछ स्टेटमेंट्स आते हुए दिख रहे हैं अमेरिका के खिलाफ वो स्टेटमेंट्स हम आपके सामने रखेंगे और साथ ही डाउ फ्यूचर्स की हम आपको सिचुएशन भी बता देंगे जिससे आपको आइडिया लगेगा कि इन्हें कितना सीरियसली लेना है। और अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो पर चीन की सरकार की तरफ से कुछ स्टेटमेंट्स आए हैं वो हम आपके सामने रखेंगे और उनका ये कहना है कि जो माइक पॉम्पियो साहब हैं जिन्होंने कहा था कि वुहान के लैब में कोरोना वायरस बनाया गया था ये जो उन्होंने दावा किया था उस पर चीन ने आपत्ति जताई है।
ये आपके लिए आता दिख रहा है। तो चीन की तरफ से ये बड़ी खबर इस वक्त आपके पास आती हुई दिख रही है, अमेरिकी विदेश मंत्री पर ये खबर है आपके सामने। और चीन ने ये साफ कहा है, अमेरिका के पास इस बात के किसी तरह के कोई सबूत नहीं है कि यह कोरोना वायरस वुहान की लैब में बना है। आपको याद होगा कल WHO ने भी यही बात कही थी कि अमेरिका के जो आरोप हैं उनमें कहीं कोई सबूत नहीं है। अब उसके बाद चीन भी ये कह रहा है। चलिए ये बड़ी खबर आपके सामने, कोरोना से जुड़ी हुई कोई भी खबर छूटेगी नहीं, जो काम की है बतानी जरूरी है। आइए बसिन साहब हमारे साथ हैं। बसिन साहब ने पहला स्टॉक तो चोलामंडलम दे दिया, आइए दूसरा स्टॉक मैं बसिन साहब से पूछ लूं, कौन सा स्टॉक है जहां पर आपको ध्यान में रखना? बसिन साहब बताएं सर। हाँ सर, दूसरा स्टॉक ऑटो में है, ऑटो में भी बहुत स्ट्रेंथ है। आपने देखा हीरो मोटो महिंद्रा महिंद्रा ये बहुत बढ़िया कर रहे हैं, तो यहाँ पे ट्रैक्टर प्ले है। एस्कॉट्स विल आउट परफॉर्म क्योंकि ट्रैक्टर में सेल्स भी ज्यादा है और हमें लगता है रावी क्रॉप हैज बीन वेरी गुड। 710 का भाव है, 710 से 712, इसमें 695 का स्टॉप लॉस रखिए और फर्स्ट टारगेट इसमें होगा 750 to 760। 750-760 दो हैं टारगेट्स आपके लिए एस्कॉट्स। यहाँ पर खरीदारी करने की राय 710-712 के आसपास चल रहा है, यहीं पर तुरंत प्रभाव से ले लीजिए। सारे लेवल्स कैश के हैं आपके लिए और बसिन साहब की तरफ से ये खरीदारी करने की राय है एस्कॉर्ट्स में। ऑटो स्टॉक्स भी मजबूत है, 695 का स्टॉप लॉस लगाइए, छोटा सा स्टॉप लॉस है 15 रुपए का, और 750-760 के बड़े टारगेट के लिए एस्कॉर्ट्स में करनी है आपको खरीदारी, ये राय आपके लिए। तो चोलामंडलम और एस्कॉर्ट्स दो बेहतरीन पिक्स BTST के तौर पर है, ये ध्यान रखें। ये सिर्फ एक आध दिन के लिए, कल के लिए ही है, ये पोजिशनल ट्रेड नहीं है। पोजिशनल ट्रेड आपको बसिन साहब पहले ही बता चुके हैं, M&M फाइनेंस, JSPL दो खरीदने के और यूनाइटेड स्प्रिट्स बेचने के। बसिन साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका ये तीन बेहतरीन पिक्स और हमारे दर्शकों को देने के लिए। तो ये बेहतरीन पिक्स बसिन साहब की तरफ से आती हुई आपके लिए। ओके, तो ये बड़ी चीज लिखे ना, इस पर और कोई अपडेट दीप? चीन और अमेरिका के बीच में जो बयान आ रहे हैं ये बड़े इंटरेस्टिंग है। बिल्कुल अनिल जी, जो माइक पोम्पियो हैं वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं अमेरिका के, और जब हम दो दिन पहले डिस्कस कर रहे थे तो अमेरिका ने जो आरोप लगाया था कि ये जो वुहान से वायरस आया है, ये वुहान में एक बहुत बड़ी रिसर्च लेबोरेटरी है वहां पर बना है, तो ये मैनमेड वायरस है, ये नेचुरल वायरस नहीं है, और माइक पोम्पियो साहब ने ये आरोप लगाया था। तो फिर उसका अब चीन जवाब दे रहा है कि ये गलत आरोप आप लगा रहे हैं, और WHO ने भी कहा है कि ये मैनमेड वायरस नहीं है। तो माइक पोम्पियो स्पेसिफिकली इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं, तो काफ़ी अहम पोजीशन है इनकी ऑलरेडी, और इंटरनेशनल रिलेशंस में या इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस में US के रिप्रेजेंटेटिव हैं, और इन्होंने आरोप लगाया था उसका जो अब चीन जवाब देता हुआ दिख रहा है। पर आखिरी 10 मिनट बाकी हैं सर ट्रेड के, एक बार देख लेते हैं कि आखिरी 10 मिनट के लिए और कल कैरी फॉरवर्ड के लिए अनिल जी की स्ट्रैटेजी क्या है इस समय। सर ग्लोबल क्यूज तो और बेहतर हो गए हैं, डाओ फ्यूचर्स अब 200 अंक ऊपर है, तो वहां से काफी मजबूती के संकेत आ रहे हैं। यूरोप के बाजार लगभग वैसे ही हैं जैसे हमने छोड़े थे, 0.5% तेजी में है। UK जर्मनी का बाजार रिकवर हो गया है हल्की किसी गिरावट के साथ, इस समय फ्रांस का बाजार ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, और कच्चे तेल में एक बार फिर से तेजी है, उतनी ज्यादा उछाल नहीं जितना कल देखा था, बट फिर भी पॉजिटिव गेन्स में है। बिल्कुल दीप, देखिए जो निफ्टी की ट्रेडिंग रेंज हमने दी थी आज के लिए कि 9,300 से 9,450 की हायर रेंज है, आज 9,350 के आसपास तक पहुंचा, हायर रेंज की उस तरफ ट्रेड बंद होता हुआ दिख रहा है। बैंक निफ्टी 19,750 के आसपास है, 19,900 मीडियम रेंज में हमारा 19,750 ही था, एग्जैक्टली वहीं पर ट्रेड कर रहा है। बैंक निफ्टी का मीडियम रेंज 9,300 था, लगभग वहीं पर ट्रेड कर रहा है। तो बहुत कंफर्ट न खरीदारी का बन रहा है न बिकवाली का बन रहा है, तो मैं 3:20 पर ज्यादा वक्त नहीं लगूंगा, मैं सिंपल ये कहूंगा मैं न्यूट्रल होकर जाना चाहता हूं, क्योंकि मैं एक बार है ना आज पूरा दिमाग खाली कर लेना चाहता हूं कि देखते हैं कि डेटा आज किस तरह के निकल कर आते हैं, FIs घरेलू फंड के डेटा किस तरह के रहते हैं, और कल वायदा कारोबार के डेटा किस तरह के निकल के आते हैं, एक्सपायरी का दिन है। सिंपल चीजें देखिए, स्क्रीन तो कह रही कि कुछ खबर आने वाली है, चाहे वो NBFC को लेकर हो और चाहे वो कोई और पैकेज को लेकर हो। हालांकि जो SBI की तरफ से मॉरेटोरियम NBFC को देने की बात हो रही है कि हम केस टू केस पे देखेंगे, इस खबर में कोई दम नहीं है, इससे कुछ NBFC का भला होने वाला नहीं, ये चीज समझ लीजिए, और वो भी केस टू केस, तो वो नहीं हो सकता है, कुछ और आ रहा हो मुझे नहीं पता, तो मैं रिस्क रखना नहीं चाहता, तो मैं शॉर्ट में ये कहूंगा बजाय ज्यादा समय खाने के, सिंपल नो ट्रेड नोटा जीरो न्यूट्रल, न निफ्टी न बैंक निफ्टी, कल की कल देखी जाएगी।
बिल्कुल, कल की कल देखी जाएगी। ये बाजार एडवेंचर के लिए नहीं है, जैसे कि अलजी बता रहे थे, दोनों तरफ में आपको एक काफ़ी शार्प मूवमेंट्स आज बाजार में आते हुए दिखे हैं। अभी थोड़ी देर पहले रिलायंस इंडस्ट्रीज पर भी अगर आप देख रहे थे तो वो एग्जैक्टली 1450 पर सपोर्ट लेकर थोड़ा सा बाउंस बैक उस स्टॉक में ज़रूर आपने आते हुए देखा है, और उससे भी बाजार का मूड सुधरा है, इस समय एकदम सपाट ट्रेड कर रहा है। पर हाँ, बाजार की स्ट्रेंथ या जो एक बाजार की जो ब्रेथ होती है वो डेफिनेटली इंप्रूव हुई है कुछ मिनटों में, और M&M जिसके बारे में हमारे एक्सपर्ट्स बात कर रहे थे वहां पर अच्छा मूव आया है। साथ ही अब बजाज फाइनेंस भी सपोर्ट कर रहा है। किरण जी, बजाज फिनसर्व पे तो आपने बाय कॉल दी है, बजाज फाइनेंस पर कुछ राय? सुबह से ही एक्टिव है और अब देखिए सेकेंड बिगेस्ट गेनर है निफ्टी पर। बिल्कुल, ये दोनों ही काउंटर्स एक अच्छे सपोर्ट पे है, और बजाज फाइनेंस ने वो नेकलाइन तोड़ी नहीं है, मैं शायद कल सवेरे तोड़ेगा तो फिर उस पर कॉल आएगा, पर मेरा मानना है कि जब वो नेकलाइन टूटेगी तभी बाय करना चाहिए। बजाज फिनसर्व ने वो नेकलाइन तोड़ी और उसके नीचे जाया, आज मेरा स्टॉप लॉस भी ट्रिगर हो गया, थोड़ा सा दुख होता है ये बोलते हुए, पर जब बजाज फिनेंस का नेकलाइन टूटेगी तो उसके बारे में कल बात करेंगे। ओके, तो देखते हैं कि बजाज फिनसर्व में वैसी मूव आती है कि नहीं, पर अच्छी खरीदारी जरूर आज आपने देखी NBFC स्टॉक्स में, और बजाज फिनसर्व, बजाज फाइनेंस, HDFC लिमिटेड सबसे आगे थे। अभी देखिए HDFC बैंक भी लगभग डेज हाई के आसपास ट्रेड करते हुए दिख रहा है। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया गेल, जय, इस पर नजर डाली, ये भी डेज हाई पर आता हुआ दिख रहा है, एक बार फिर से एक अच्छा बाउंस बैक आया, 95 के लेवल्स पर वापस आ गया है, यहाँ पर क्या राय बनती है? बिल्कुल सही कहा दी, वापिस इसमें एक हमें आज बाउंस देखने मिला है, बट ऑन दी अपसाइड मैं कहूंगा एग्जैक्टली यहीं पे करीब 96 के आसपास एक रेजिस्टेंस, अगर 96 निकालता है ये स्टॉक तो एक ब्रेकआउट इसमें मानना चाहिए, और उसके बाद जो इसमें गैप बना था, एक बैरिश गैप बना था, वो फिल हो जाएगा। 96 के ऊपर लगभग 100 रुपये तक के लेवल्स हमें देखने मिल सकते हैं इमीजिएटली। ओके, तो 100 रुपए तक के लेवल्स मिल सकते हैं अगर 96 क्रॉस करेगा तो। NIT टेक पर नजर डालिए, 10% और 15% के तो सर्किट लग गया है, 20% के सर्किट लगाने की तैयारी में दिख रहा है स्टॉक, हालांकि अब ट्रेड खत्म होने वाला है, पर काफी शानदार मूव आपने आज NIT टेक में देखी है, और अब 1400 के ऊपर चला गया है। तो आज सुबह जब इस स्टॉक के बारे में बात कर रहे थे तो 1200 के नीचे था, अब 1400 के ऊपर चला गया ये स्टॉक, वहां पर नजर रखिए। बंसल जी, आज इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस में भी अच्छी मूव आई है, हाई बीटा स्टॉक है ऑफ कोर्स, बट यहां पर कोई खरीदारी की राय जिस तरह से बाकी NBFCs में मूवमेंट बन रहा है? देखिए दीपांशु, इसमें टूवर्ड्स क्लोजिंग ही आज एक पॉजिटिव क्रॉसओवर देखने को मिल रहा है, इनफैक्ट पॉजिटिव क्रॉसओवर के साथ एक ब्रेकआउट भी देखने को मिल रहा है 123 रुपए के ऊपर। इन स्तरों पर इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस एक अच्छा बाय है, 120 रुपए 85 पैसे, 120.85 का स्टॉप लॉस है, और यहाँ पर पहला टारगेट जो बैठता है 130 से 132 का जोन है, उस टारगेट के लिए आईबुल हाउसिंग को खरीदा जा सकता है। बिल्कुल, तो इंडिया बुल्स हाउसिंग को खरीदा जा सकता है, बल्कि सारी जो NBFCs हैं एक बार फिर से एक स्पाइक दिखा रहे हैं, तो IB डेज हाई पर है, M&M फाइनेंस में फर्दर बाइंग आई है, 175 पर आ गया ये टारगेट, जब भसीन साहब इसके बारे में बात कर रहे थे तो 168-169 पर था। L&T फाइनेंस जो उन्हें पसंद है वहां पर एक स्पाइक आ रहा है, श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस, एक्विटास, इन सभी NBFCs को देखे तो वहां पर शानदार मूव है। कंटेनर कॉर्पोरेशन में एक स्पाइक आते हुए दिख रहा है, 5% की तेजी वहां पर भी बन रही है इस समय। वोल्टास जिसके बारे में भी थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे वहां पर भी एक ट्रेड बन रहा है, टाटा केमिकल्स 4.5% की तेजी के साथ। कुणाल जी, कंटेनर कॉर्पोरेशन में कोई ट्रेड? देखिए, निचले स्तरों से एक रिकवरी जरूर आते हुए दिख रही है, और वो लेवल भी बिल्कुल सपोर्ट का लेवल था दीपांशु, जहां से कि एक रिकवरी आ रही है, लेकिन इन स्तरों पर कोई खरीदारी का राय नहीं है। खरीदने का मौके बनेंगे जब ये 370-375 के लेवल्स को पार करेगा, जिसमें अभी काफ़ी देर है, तो मुझे लगता है कि फिलहाल वेट एंड वॉच करें, शॉर्ट पोजिशन से अलबत्ता एक बार के लिए निकल जाना चाहिए। ओके, शॉर्ट पोजीशंस हो तो निकल जाइए, पर फ्रेश पोजीशंस थोड़ी देर बाद ही लीजिएगा, क्योंकि मूव ऑलरेडी आ चुकी है। इसमें स्पाइक आया है बाटा इंडिया में, किरण जी बाटा के चार्ट देखिए, 1300 के ऊपर गया है डेज हाई पर, ये स्टॉक भी दिख रहा है इस समय। देखिए बाटा पे मैं कंसिस्टेंटली बुलिश ही हूँ, मेरा ट्रेलिंग स्टॉप का अभी तक ट्रिगर नहीं हुआ है, मार्केट काफी करेक्ट हो चुका है, ये वापस एक बार ट्रेंड लाइन पे टेस्ट करके वापस ऊपर जा रहा है, अभी नेक्स्ट मोमेंटम आएगा इसमें जब ये स्टॉक करीबन 1350 के ऊपर क्रॉस करेगा।
अभी 1300 का एक छोटा सा बैरियर है, वो आज इसने दिन भर में करीबन पिछले 3 घंटे से इसके ऊपर है, तो एक पॉजिटिव रुझान देखने को मिल रहा है। पर एक बार 1350 क्रॉस करेगा तो मैं जो मोमेंटम एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मई महीने में वो उसके बाद आएगा, और फिर मेरा टारगेट जो 1450 और 1500 का है वो बिल्कुल देखने को मिल जाना चाहिए। ओके है तो आपके लिए ये है मार्केट के क्लोजिंग पर। जी सॉरी हाँ दीप जी दीप प्लीज कंटिन्यू। या जी सर जी ओके जी तो जो बंद हो रहे हैं वो मजबूती के बंद हो रहे हैं, किसी भी लिहाज से बुरी नहीं है। खास तौर से मुझे बैंक निफ्टी की क्लोजिंग ज्यादा अच्छी दिख रही है, सही भी है, 2.5% ऊपर है बैंक निफ्टी, निफ्टी 1% ऊपर है, तो 9300 के बेहद करीब निफ्टी बंद हो रहा है। लेकिन दीप जो मुझे अच्छी बात दिख रही निफ्टी में वो ये है कि 9260 के ऊपर जो बंद हो रहा है ना ये अच्छा है, ये खराब नहीं है। 9265 के ऊपर बंद होना ज़्यादा ठीक है, और बैंक निफ्टी अगर 19700 के ऊपर बंद हो रहा है तो ये क्लोजिंग भी ठीक है। 2.5% का बढ़िया उछाल आता हुआ दिख रहा है बैंक निफ्टी में, और निफ्टी 1% की तेजी के साथ ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। एनर्जी टेक आज का हीरो है, 18% की शानदार तेजी रिजल्ट्स के बाद। आईबुल हाउसिंग, M&M फाइनेंस, ये सारे स्टॉक्स फाइनेंस कंपनियां सारी चली है कुछ ना कुछ NBFCs को लेकर, शायद बाजार अच्छी चीज की उम्मीद कर रहा है। बैंक्स में RBL, एक्सिस निचले स्तरों से ये रिकवर होते हुए दिखे, यहाँ सब में थोड़ी थोड़ी बंधन 6% अब ऊपर आ गया। यही है बेसिकली ये स्टॉक सारे बड़े वोलेटाइल रहेंगे, आप ध्यान में रखिए बैंक्स और NBFC गिरने में भी आगे रहेंगे, बढ़ने में भी रिकवरी जब भी होगी सबसे ज्यादा शॉर्ट्स यही होते, तो यही शॉर्ट कवरिंग भी होती है। आइए प्रोविजनल क्लोजिंग आपके सामने रख दूं, 497 अंक ऊपर बंद हुआ है बैंक निफ्टी, 289 अंक ऊपर बंद हुआ है सेंसेक्स, और 82 अंक ऊपर बंद हुआ है निफ्टी। थोड़ी सी देर में हम आपको बताएंगे कि किस लेवल पर आपके लिए फाइनल क्लोजिंग आती है, लेकिन उससे पहले बता दें शाम को 6 बजे भी एक खास शो है आपके लिए। कोरोना से लड़ाई लड़ते लड़ते एक बड़ा संकट आता हुआ दिख रहा है, ये संकट है नौकरियों का, जॉब्स का। कई कंपनियों में छटनी चल रही है, एम्प्लॉयज निकाले जा रहे हैं, कहीं 10% 20% 30% तक लोग कम किए जा रहे हैं, कहीं इससे ज़्यादा भी हैं, और ये अच्छे अच्छे ऑर्गेनाइजेशन, अच्छे अच्छे बैंक्स ये सब कर रहे हैं। सैलरी कट तो आम बात हो चुकी है, कहीं लोगों को लीव पर भेजा जा रहा है, और कंपनियों के अपने तर्क हैं, अपने लॉजिक हैं, लेकिन आम तौर पर कर्मचारी बड़े परेशान हैं कि घर का खर्चा कैसे चलाएंगे, बच्चों की स्कूल की फीस, होम लोन और 50 और तरह के खर्चे हैं। तो आज हम इसी पर चिंता करेंगे, कोरोना महामारी नौकरी पर भारी, यह है आज का बड़ा डिस्कशन पॉइंट। और इस डिस्कशन पॉइंट पे जाऊं उससे पहले मैं एक थोड़ा सा फील लेना चाहता हूं कि वाकई में क्या इस तरह की चीजें आप लोग भी सुन रहे हैं। आशुतोष सर, क्या कुछ ऐसे जॉब लॉसेस, सैलरी कट्स, ये सब चीजें आपके भी सुनने में आ रही है? अनिल जी बिल्कुल आ रही है, और जॉब कट से पहले आई थिंक सैलरी, क्योंकि हर मुझे लगता है कि कॉर्पोरेट ये कोशिश कर रहा है कि सैलरीज कुछ कम हो जाएं, जो हमने देखा भी कि जो सोशल मीडिया पे भी कुछ आया लेड बाय रिलायंस, कोटक बैंक, कि लोगों की नौकरी ना जाए। लेकिन अनिल जी जितना ये लंबा होता जा रहा है उतना ये अनसर्टेनिटी बढ़ती जा रही है, और दिक्कत तो है ही। सो अनिल जी, हम जो पैकेज की भी बात कर रहे हैं ना, आज अगर हम आप, मैं सुन रहा था आप सुबह पेट्रोल के सेस की और सब की बात कर रहे हैं, अनिल जी सबसे जो ज़्यादा अफेक्टेड है ना वो इस वक्त मिडिल क्लास है, क्योंकि मिडिल क्लास ही है जो पेट्रोल और डीजल अफोर्ड करता है, मिडिल क्लास ही है जिसने आगे लोगों को एम्प्लॉय कर रखा है, मिडिल क्लास ही है जो समझता है जो उनके उनको उन सबका ध्यान रखना है, और मिडिल क्लास ही है जो सबसे ज़्यादा वर्किंग क्लास है जिसको ये जॉब के लॉसेस का डर और ये सैलरी कट्स को झेलना पड़ रहा है। तो अगर पेट्रोल या कहीं और से उसको बेनिफिट होता है, अगर वो भी उसको एक्सटेंड नहीं होगा और कोई ऐसा डायरेक्ट डोल आउट भी उसको नहीं मिलता, तो मुझे लगता है अनिल जी मिडिल क्लास की लाइफ काफी टफ होने वाली है। तो जो आप ये बोल रहे हैं फील बिल्कुल जेन्युइन है, दिस अनसर्टेनिटी इज डिस्टर्बिंग एंड बॉदरिंग लॉट ऑफ पीपल। बिल्कुल, तो ये आपके लिए आज का स्पेशल शो, मिस मत करिएगा, घर पर बैठे हैं लेकिन जॉब्स मार्केट का क्या हाल है, किस तरह की चिंताएं हैं वो आपको जरूर देखना चाहिए। लेकिन चिंताओं को दूर करने का भी हमारे पास उपाय है, आशीष सर आपके लिए भी है और बाकी सबके सब लोगों के लिए भी। तो आजकल हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं, थोड़ी सी मेहनत कर रहे हैं, और बाजार बंद होने के बाद भी हम कुछ न कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जो बंसल जी, कुणाल जी के चेहरे पर थोड़ी मुस्कुराहट ला सके। कल भी कुछ मुस्कुराहट ऐसी आती हुई दिखी थी उनके चेहरे पर, आज फिर से मुस्कुराहट लाने की तैयारी है। और आज शाम को 4 बजे हमारे साथ बॉलीवुड की जानी मानी एक्ट्रेस, मिस यूनिवर्स रही लारा दत्ता कार्यक्रम में शामिल होगी। 4 बजे हम जी बिजनेस के फेसबुक पेज पर उनसे बातचीत करेंगे। तो अगर आप भी ये चैट
ये लाइव सेशन देखना चाहें, बातचीत देखना चाहें, उनके साथ बड़ी इंटरेस्टिंग बातचीत होगी, तो वो आप जरूर देख सकते हैं। हालांकि जो कुणाल जी ने जो फरमाइश लिस्ट रखी है वो बहुत बड़ी है। कुणाल जी, मुझे नहीं पता कि वो अमिताभ बच्चन और सचिन तेंदुलकर के इंटरव्यू का नंबर कब आएगा, लेकिन हाँ कोशिश ये कर रहे हैं एक से एक बढ़िया सेलिब्रिटीज़ आपके सामने हम लॉकडाउन पीरियड में ला सकें, जिनसे आप थोड़ा इंस्पायर हो सकें, समझ सकें कि ये लॉकडाउन पीरियड में क्या कर रहे हैं और आगे आपको ज़िंदगी जीने के लिए थोड़ी सी पॉजिटिविटी दे सकें, थोड़ा सा आपको बूस्ट दे सकें। तो कुणाल जी ठीक है ना, मतलब जब तक अमित जी या सचिन जी ना मिले तब तक ठीक है ना? अरे जी, एक बात मुझे समझ नहीं आई, अभी आपने कहा कि आप मार्केट के बाद भी काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं अनिल जी, आप लारा दत्ता से बात करना, अनिल जी मेहनत कैसी हुई ये बताइए पहले। ये बात ठीक है, बिल्कुल नहीं नहीं मैं आपकी बात समझ गया। अगर ये आपके ख्याल ये पहले मुझे पता होते तो मैं आपको को एंकर को होस्ट बना लेता, लेकिन ठीक है अब आप रिमोट भी हैं, दिल्ली में हैं और टेक्नोलॉजी के चैलेंजेस बहुत है, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन ये आप आइडिया दीप को दे रहे हैं मुझे ऐसा लग रहा है, तो चलिए कम से कम आप एंजॉय कीजिए, ये चैट मिस मत कीजिएगा, लाइव चैट 4 बजे हम शुरू करेंगे। तो हाँ एक चीज़ और हमारे दर्शकों को कहना चाहता हूँ कि आजकल हम वैसे तो जो टाइम देते हैं कोशिश यही करते हैं उसी वक्त शुरू हो जाए, लेकिन कभी कभी कुछ मिनट्स आगे पीछे हो जाते हैं, टेक्नोलॉजी के चैलेंजेस बढ़े हैं, कनेक्टिविटी हो जाए तो तुरंत हो जाए, नहीं होते तो 5-10 मिनट लग भी जाते, तो कृपया आप थोड़ा सा वो पेशेंस बनाए रखें, हम जुड़ते जरूर हैं। तो कई बार जैसे ज़्यादातर केसेस में तो हम एकदम टाइम से शुरू कर ही चुके हैं, एक आध केस में ऐसा हो गया कि तो कल सुनील शेट्टी साहब के साथ हमने किया था और काफ़ी लंबा मेरे ख्याल से 45-50 मिनट तक, 1 घंटे तक हमने बातचीत की और बड़ा मज़ा आया, अगर आप लोगों ने देखा हो तो आई एम श्योर कि बड़ा एंजॉय किया होगा। तो आज फिर से लारा दत्ता के साथ हमारी ये जो एक्सक्लूसिव चैट है ये मिस मत करिएगा, ज़रूर देखिएगा आप, ये आपसे गुजारिश। ओके, आप सभी से विदा लेने का वक्त है, कल वायदा कारोबार के लिए वीकली एक्सपायरी का दिन होगा, बड़ा इंपॉर्टेंट दिन होगा, उससे पहले फाइनल क्लोजिंग आ चुकी है 9270, जो मैं कह रहा था 9265 9260 के आसपास की क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है, एग्जैक्टली इसने वहीं जाके क्लोजिंग दी, हमेशा ऐसी जगह क्लोजिंग देता है कि आपको रात भर कन्फ्यूज रखेगा कि अब कल कहाँ खुलने वाला है, तो आज भी क्लोजिंग वहीं हुई है 9260 के आसपास, 9270 पर, 19700 के आसपास बैंक निफ्टी पर भी क्लोजिंग हुई है। चलिए ठीक है, तो ये क्लोजिंग आपके सामने है इस वक्त, कल ट्रेड कल देखेंगे, इस बीच आप सबसे विदा लेने का वक्त है। कुणाल जी, राकेश जी और किरण जी आपका शुक्रिया, जय सर, और आशीष सर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद वक्त निकालने के लिए, दीप आपका भी शुक्रिया,